आपका हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज हम यहाँ पर आपको एक कमाल की जो है वो सीरीज़ के बारे में बताने वाले हैं। और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आ चुकी हो। मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ आपको कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, वो भी फ्री में। क्या इसकी कहानी है, इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर बात करें तो ये एक वैसे तो वेब सीरीज़ है, पर आप चाहें तो इसे मूवी भी कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसकी कास्टिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आपको एक कमाल की स्टार कास्टिंग देखने को मिलती है और सभी कलाकारों ने यहाँ पर जो काम भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है। इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है मत्स्याकांड। 2021 में इसे रिलीज़ किया गया था और इसके अंदर दोस्तों आपको जो है थ्रिल देखने को मिलता है। और इसका एक ही सीज़न आ चुका है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है। कहा जा रहा है कि इसका दूसरा सीज़न भी आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो रेटिंग तो काफ़ी बढ़िया जी, जो IMDb है वहाँ पर 10 में से 8.8 की रेटिंग मिली हुई है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इसे 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। चलिए बात करते हैं इसकी कास्टिंग के बारे में। और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंदर आपको वैसे लीड कास्ट में जोया अफरोज, रवि दुबे, मधुर मित्तल, पीयूष मिश्रा, राजेश शर्मा, नावेद असलम, प्रतीक सिंह सोलंकी, श्रीकांत वर्मा, राज शर्मा, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं। सवाल यहाँ पर ये आता है कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं हिंदी में तो कहाँ पर ये उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को हिंदी में वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो जो MX प्लेयर हैं वहाँ पर ये हिंदी में उपलब्ध है। आप लोग इसे MX प्लेयर पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ और वो भी हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएंगी। इसके डायरेक्टर अजय बिवान रहे थे, जो बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं। और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में और मूवीज़ बनाई हुई है, सॉरी वेब सीरीज़ बनाई हुई है। तो मत्स्य जो थड़ा है वो रवि दुबे लोगों को जान में फंसा कर उन्हें लूट कर चला जाता है। तो मत्स्य को पकड़ने के लिए SCP तेजराज सिंह को बुलाया जाता है। इसके बाद दोनों के बीच चूहे बल्ले वाली रेस शुरू हो जाती है। अब दोनों के बीच क्या क्या होता है, इसके लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। ये सीरीज़ कांड पर बनी हुई है, मतलब कि स्कैम। इस शो के हर एपिसोड का एक खास टाइटल दिया गया है जो कि किसी पौराणिक चरित्र से रिलेटेड है, स्पेशली महाभारत से। शिव सिंह का स्क्रीन प्ले आपका शो में पूरा इंटरेस्ट बनाए रखेगा। कई बार आपको पता ही नहीं लगेगा कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे सीन भी यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ आप भी जानने के लिए उत्सुक होगे कि अब आगे होगा तो होगा क्या। डायरेक्टर अजय उड़ान ने मेरठ, दिल्ली और जयपुर जैसी जगहों पर काम कर किया है। इस सीरीज़ में एक चोर और एक पुलिस वाले के बीच चूहे बिल्ली की जो रेस है उसे अच्छे से यहाँ पर नरेट किया गया है। रवि दुबे ने अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ किया है। रवि के जो रवि हैं उन्होंने यहाँ पर इसमें कई किरदार थे जिसमें उन्होंने पहचानना मुश्किल था। हालांकि जो उनका पहला गेटअप था उसमें वो कबीर सिंह जैसे दिखते हैं। उन्होंने अपने हर किरदार को बखूबी निभाया हुआ है। रवि किशन ने तेजराज सिंह का किरदार बखूबी निभाया है। रवि किशन की एंट्री कहानी में अलग पीस ले आती है। बाकी किरदारों में आपको जैसे भी पीयूष मिश्रा, मधुर मित्तल और राजेश शर्मा ने जो अपना काम शानदार किया हुआ है। सोनाली दशरथ द्वारा प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी शानदार है और सिनेमेटोग्राफर मनोज राठी ने भी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन काम दिया हुआ है। इन्होंने यहाँ पर दिल्ली, मेरठ, जयपुर और सांभर शहर को अच्छे से कैप्चर किया हुआ है। हालांकि एडिटिंग थोड़ी और मज़ेदार हो सकती थी, लेकिन इस पर शो पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। शो के लास्ट सीन से पता चल रहा है कि मत्स्यकांड के अगले सीजन में काफ़ी मज़ा आने वाला है। और ओवरऑल मत्स्यकांड काफ़ी मज़ेदार वेब सीरीज़ देखने को मिलेंगी, आपको एक कहानी से जोड़े रखेंगी। रवि दुबे और रवि किशन स्टारर इस शो का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था तब लोगों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। लोगों को स्टार्ट से ही ये जानना था कि आखिरकार इस सीरीज़ में जीत होगी दूर होगी किसकी, और कौन पकड़ा जाएगा और कौन दोस्तों जल जाएगा। तो आप सब लोग भी अगर इस सभी सवाल के जवाब ढूंढना चाहते हैं तो आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेंगी, जो कि MX प्लेयर की ऑफिशियल ऐप पर और उनकी ऑफिशियल साइट पर आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगी। तो काफ़ी तगड़ी ये वेब सीरीज़ बनाई गई है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसे ज़रूर दीजिए, ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी। जितने भी किरदार हैं इन सभी ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अपना काम इन्होंने बखूबी निभाया हुआ है। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की वेब सीरीज़ का निर्माण है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये भी आता है अगर एक मूवी होती तो क्या सीरीज थी। तो दोस्तों आप इसे मूवी भी कह सकते हैं। अगर आपको सीन को काट देंगे और मर्ज कर लेंगे तो लगभग इसका रन टाइम में इतना ही हो ही जाएगा जो कि एक मूवी के काबिल है। तो अगर आप इसे नहीं देखे तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसे देखिए, ये आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसे यूट्यूब पे रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूंगा। आप सभी लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और आप में से दोस्तों कोई लोग इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये सीरीज़ आपको कैसी लगी थी। हालांकि यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है और ना ही होगी, क्योंकि एमएक्स पर जो है अपने प्लेटफॉर्म पर इसे ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है तो यूट्यूब पर डालने का कोई फ़ायदा उनका है ही नहीं, इसलिए आप इसे एमएक्स पर भी देख सकते हैं। और अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूंगा। बाकी आप इसे ज़रूर दीजिए, आपको अच्छी लगेंगी। और दूसरी बात यह है कि वेब सीरीज़ है तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसे फैमिली के साथ ना देखें। आपका हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज हम यहाँ पर आपको एक कमाल की जो है उस सीरीज़ के बारे में बताने वाले हैं। और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आ चुकी हो। मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ आपको कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, वो भी फ्री में। क्या इसकी कहानी है, इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर बात करें तो ये एक वैसे तो वेब सीरीज़ है पर आप चाहें तो इसे मूवी भी कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी कास्टिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आपको एक कमाल की स्टार कास्टिंग देखने को मिलती है और सभी कलाकारों ने यहाँ पर जो काम भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है। इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है मत्स्याकांड। 2021 में से रिलीज़ किया गया था और इसके अंदर दोस्तों आपको जो है थ्रिल देखने को मिलता है। और इसका एक ही सीज़न आ चुका है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है। कहा जा रहा है कि इसका दूसरा सीज़न भी आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो रेटिंग तो काफ़ी बढ़िया थी, जो IMDb है वहाँ पर 10 में से 8.8 की रेटिंग मिली हुई है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इसे 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। चलिए बात करते हैं इसकी कास्टिंग के बारे में। और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंदर आपको वैसे लीड कास्ट में जोया अफरोज, रवि दुबे, मधुर मित्तल, पीयूष मिश्रा, राजेश शर्मा, नावेद असलम, प्रतीक सिंह सोलंकी, श्रीकांत वर्मा, राज शर्मा, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं। सवाल यहाँ पर ये आता है कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं हिंदी में तो कहाँ पर ये उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को हिंदी में वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो जो MX प्लेयर हैं वहाँ पर ये हिंदी में उपलब्ध है। आप लोग इसे MX प्लेयर पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ और वो भी हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएंगी। इसके डायरेक्टर अजय बिवान रहे थे जो बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में और मूवीज़ बनाई हुई है, सॉरी वेब सीरीज़ बनाई हुई है। तो मत्स्य जो थड़ा है वो रवि दुबे लोगों को जान में फंसाकर उन्हें लूट कर चला जाता है। तो मत्स्य को पकड़ने के लिए SCP तेजराज सिंह को बुलाया जाता है। इसके बाद दोनों के बीच चूहे बिल्ली वाली रेस शुरू हो जाती है। अब दोनों के बीच क्या क्या होता है इसके लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। ये सीरीज़ कांटे पर बनी हुई है, मतलब कि स्कैम। इस शो के हर एपिसोड का एक खास टाइटल दिया गया है जो कि किसी पौराणिक चरित्र से रिलेटेड है, स्पेशली महाभारत से। शिव सिंह का स्क्रीन प्ले आपका शो में पूरा इंटरेस्ट बनाए रखेगा। कई बार आपको पता ही नहीं लगेगा कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे सीन भी यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ आप भी जानने के लिए उत्सुक होगे कि अब आगे होगा तो होगा क्या। डायरेक्टर अजय उड़ान ने मेरठ, दिल्ली और जयपुर जैसी जगहों पर काम कर किया है। इस सीरीज़ में एक चोर और एक पुलिस वाले के बीच चूहे बिल्ली की जो रेस है उसे अच्छे से यहाँ पर नरेट किया गया है। रवि दुबे ने अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ किया है। रवि हैं उन्होंने यहाँ पर इसमें कई किरदार थे जिसमें उन्होंने पहचानना मुश्किल था। हालांकि जो उनका पहला गेटअप था उसमें वो कबीर सिंह जैसे दिखते हैं। उन्होंने अपने हर किरदार को बखूबी निभाया हुआ है। रवि किशन ने तेजराज सिंह का किरदार बखूबी निभाया है रवि किशन की एंट्री कहानी में अलग ट्विस्ट ले आती है। बाकी किरदारों में आपको जैसे भी पीयूष मिश्रा, मथुर मित्तल और राजेश शर्मा ने जो अपना काम शानदार किया हुआ है। सोनाली दशरथ द्वारा प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी शानदार है और सिनेमेटोग्राफर मनोज राठी ने भी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन काम दिया हुआ है। इन्होंने यहाँ पर दिल्ली, मेरठ, जयपुर और सांभर शहर को अच्छे से कैप्चर किया हुआ है। हालांकि एडिटिंग थोड़ी और मज़ेदार हो सकती थी, लेकिन इस पर शो पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। शो के लास्ट सीन से पता चल रहा है कि मत्स्य कांड के अगले सीजन में काफ़ी मज़ा आने वाला है और ओवरऑल मत्स्य कांड काफ़ी मज़ेदार वेब सीरीज़ देखने को मिलेंगी, आपको ये कहानी से जोड़े रखेंगी। रवि दुबे और रवि किशन स्टारर इस शो का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था, हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। लोगों को स्टार्ट से ही ये जानना था कि आखिरकार इस सीरीज़ में जीत होगी दूर होगी किसकी और कौन पकड़ा जाएगा और कौन दोस्तों जल जाएगा। तो आप सब लोग भी अगर इस सभी सवाल के जवाब ढूंढना चाहते हैं तो आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी, जो कि एमएक्स प्लेयर की ऑफिशियल ऐप पर और उनकी ऑफिशियल साइट पर आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगी। तो काफ़ी तगड़ी ये वेब सीरीज़ बनाई गई है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसे ज़रूर देखिए, ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी। जितने भी किरदार हैं इन सभी ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अपना काम इन्होंने बखूबी निभाया हुआ है। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की वेब सीरीज़ का निर्माण है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये भी आता है, अगर एक मूवी होती तो क्या सीरीज थी। तो दोस्तों आप इसे मूवी भी कह सकते हैं। अगर आप कुछ सीन को काट देंगे और मर्ज कर लेंगे तो लगभग इसका रन टाइम में इतना ही हो ही जाएगा जो कि एक मूवी के काबिल है। तो अगर आप इसे नहीं देखे तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसे देखिए, ये आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूँगा। आप सभी लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और आप में से दोस्तों कोई लोग इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये सीरीज़ आपको कैसी लगी थी। हालांकि यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है और ना ही होगी, क्योंकि एमएक्स प्लेयर जो है अपने प्लेटफॉर्म पर इसे ऑलरेडी पे में कर चुका है, तो यूट्यूब पर डालने का कोई फ़ायदा उनका है ही नहीं। इसलिए आप इसे एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं। और अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूँगा। बाकी आप इसे ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। और दूसरी बात यह है कि वेब सीरीज़ है तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसे फैमिली के साथ ना देखें। आपका हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज हम यहाँ पर आपको एक कमाल की जो है उस सीरीज़ के बारे में बताने वाले हैं। और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आ चुकी हो। मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ आपको कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, वो भी फ्री में। क्या इसकी कहानी है, इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर बात करें तो ये एक वैसे तो वेब सीरीज़ है पर आप चाहें तो इसे मूवी भी कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी कास्टिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आपको एक कमाल की स्टार कास्टिंग देखने को मिलती है और सभी कलाकारों ने यहाँ पर जो काम भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है। इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है मत्स्याकांड। 2021 में से रिलीज़ किया गया था और इसके अंदर दोस्तों आपको जो है थ्रिल देखने को मिलता है। और इसका एक ही सीज़न आ चुका है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है। कहा जा रहा है कि इसका दूसरा सीज़न भी आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो रेटिंग तो काफ़ी बढ़िया जी, जो IMDb है वहाँ पर 10 में से 8.8 की रेटिंग मिली हुई है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इसे 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। चलिए बात करते हैं इसकी कास्टिंग के बारे में। और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो कहां पर ये आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंदर आपको वैसे लीड कास्ट में जोया अफरोज, रवि दुबे, मधुर मित्तल, पीयूष मिश्रा, राजेश शर्मा, नावेद असलम, प्रतीक सिंह सोलंकी, श्रीकांत वर्मा, राज शर्मा, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं। सवाल यहाँ पर यह आता है कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं हिंदी में तो कहाँ पर ये उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को हिंदी में वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो जो एमएक्स प्लेयर हैं वहाँ पर ये हिंदी में उपलब्ध है। आप लोग इसे एमएक्स प्लेयर पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ और वो भी हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएंगी। इसके डायरेक्टर अजय बिवान रहे थे, जो बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में और मूवीज़ बनाई हुई है, सॉरी वेब सीरीज़ बनाई हुई है। तो मत्स्य जो थड़ा है वो रवि दुबे लोगों को जान में फंसा कर उन्हें लूट कर चला जाता है। तो तो मत्स्य को पकड़ने के लिए एससीपी तेजराज सिंह को बुलाया जाता है। इसके बाद दोनों के बीच चूहे बिल्ली वाली रेस शुरू हो जाती है। अब दोनों के बीच क्या क्या होता है इसके लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। ये सीरीज़ कांड पर बनी हुई है, मतलब कि स्कैम। इस शो के हर एपिसोड का एक खास टाइटल दिया गया है जो कि किसी पौराणिक चरित्र से रिलेटेड है, स्पेशली महाभारत से। शिव सिंह का स्क्रीन प्ले आपका शो में पूरा इंटरेस्ट बनाए रखेगा। कई बार आपको पता ही नहीं लगेगा कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे सीन भी यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ आप भी जानने के लिए उत्सुक होगे कि अब आगे होगा तो होगा क्या। डायरेक्टर अजय उड़ान ने मेरठ, दिल्ली और जयपुर जैसी जगहों पर काम कर किया है। इस सीरीज़ में एक चोर और एक पुलिस वाले के बीच चूहे बिल्ली की जो रेस है उसे अच्छे से यहाँ पर नरेट किया गया है। रवि दुबे ने अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ किया है। रवि हैं उन्होंने यहाँ पर इसमें कई किरदार थे जिसमें उन्होंने पहचानना मुश्किल था। हालांकि जो उनका पहला गेटअप था उसमें वो कबीर सिंह जैसे दिखते हैं। उन्होंने अपने हर किरदार को बखूबी निभाया हुआ है। रवि किशन ने तेजराज सिंह का किरदार बखूबी निभाया है। रवि किशन की एंट्री कहानी में अलग फीसलें आती है। बाकी किरदारों में आपको जैसे भी पीयूष मिश्रा, मतिर मित्तल और राजेश शर्मा ने जो अपना काम शानदार किया हुआ है। सोनाली दशरथ द्वारा प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी शानदार है और सिनेमेटोग्राफर मनोज राठी ने भी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन काम दिया हुआ है। इन्होंने यहाँ पर दिल्ली, मेरठ, जयपुर और सांभर शहर को अच्छे से कैप्चर किया हुआ है। हालांकि एडिटिंग थोड़ी और मज़ेदार हो सकती थी, लेकिन इस पर शो पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। शो के लास्ट सीन से पता चल रहा है कि मत्स्य कांड के अगले सीजन में काफ़ी मज़ा आने वाला है और ओवरऑल मत्स्य कांड काफ़ी मज़ेदार वेब सीरीज़ देखने को मिलेंगी, आपको ये कहानी से जोड़े रखेंगी। रवि दुबे और रवि किशन स्टारर इस शो का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था तब लोगों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। लोगों को स्टार्ट से ही ये जानना था कि आखिरकार इस सीरीज़ में जीत होगी दूर होगी किसकी और कौन पकड़ा जाएगा और कौन दोस्तों जल जाएगा। तो आप सब लोग भी अगर इस सभी सवाल के जवाब ढूंढना चाहते हैं तो आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेंगी, जो कि एमएक्स प्लेयर की ऑफिशियल ऐप पर और उनकी ऑफिशियल साइट पर आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगी। तो काफ़ी तगड़ी ये वेब सीरीज़ बनाई गई है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसे ज़रूर देखिए, ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी। जितने भी किरदार हैं इन सभी ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अपना काम इन्होंने बखूबी निभाया हुआ है। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की वेब सीरीज़ का निर्माण है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये भी आता है अगर एक मूवी होती तो क्या सीरीज थी। तो दोस्तों आप इसे मूवी भी कह सकते हैं। अगर आप कुछ सीन को काट देंगे और मर्ज कर लेंगे तो लगभग इसका रन टाइम भी इतना ही हो ही जाएगा जो कि एक मूवी के काबिल है। तो अगर आप इसे नहीं देखे तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसे देखिए, ये आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसे यूट्यूब पे रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूंगा। आप सभी लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और आप में से दोस्तों कोई लोग इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये सीरीज़ आपको कैसी लगी थी। हालांकि यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है और ना ही होगी, क्योंकि एमएक्स प्लेयर जो है अपने प्लेटफॉर्म पर इसे ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है, तो यूट्यूब पर डालने का कोई फ़ायदा उनका है ही नहीं। इसलिए आप इसे एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं और अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूंगा। बाकी आप इसे ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। और दूसरी बात यह है कि वेब सीरीज़ है तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसे फैमिली के साथ ना देखें। आपका हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज हम यहाँ पर आपको एक कमाल की जो है उस सीरीज़ के बारे में बताने वाले हैं और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आ चुकी हो। मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ आपको कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, वो भी फ्री में। क्या इसकी कहानी है, इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर बात करें तो ये एक वैसे तो वेब सीरीज़ है पर आप चाहें तो इसे मूवी भी कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी कास्टिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आपको एक कमाल की स्टार कास्टिंग देखने को मिलती है और सभी कलाकारों ने यहाँ पर जो काम भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है। इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है मत्स्याकांड। 2021 में से रिलीज़ किया गया था और इसके अंदर दोस्तों आपको जो है थ्रिल देखने को मिलता है और इसका एक ही सीज़न आ चुका है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है। कहा जा रहा है कि इसका दूसरा सीज़न भी आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो रेटिंग थी वो काफ़ी बढ़िया थी। जो IMDb है वहाँ पर 10 में से 8.8 की रेटिंग मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इसे 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। चलिए बात करते हैं इसकी कास्टिंग के बारे में, और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंदर आपको वैसे लीड कास्ट में जोया अफरोज, रवि दुबे, मधुर मित्तल, पीयूष मिश्रा, राजेश शर्मा, नावेद असलम, प्रतीक सिंह सोलंकी, श्रीकांत वर्मा, राज शर्मा, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं। सवाल यहाँ पर ये आता है कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं हिंदी में तो कहाँ पर ये उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को हिंदी में वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो जो MX प्लेयर हैं वहाँ पर ये हिंदी में उपलब्ध है। आप लोग इसे MX प्लेयर पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ और वो भी हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएंगी। इसके डायरेक्टर अजय बीवान रहे थे, जो बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में और मूवीज़ बनाई हुई है, सॉरी वेब सीरीज़ बनाई हुई है। तो मत्स्य जो थड़ा है वो रवि दुबे लोगों को जान में फंसाकर उन्हें लूट कर चला जाता है। तो मत्स्य को पकड़ने के लिए SCP तेजराज सिंह को बुलाया जाता है। इसके बाद दोनों के बीच चूहे बिल्ली वाली रेस शुरू हो जाती है। अब दोनों के बीच क्या क्या होता है इसके लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। ये सीरीज़ कांटे पर बनी हुई है, मतलब कि स्कैम। इस शो के हर एपिसोड का एक खास टाइटल दिया गया है जो कि किसी पौराणिक चरित्र से रिलेटेड है, स्पेशली महाभारत से। शिव सिंह का स्क्रीन प्ले आपका शो में पूरा इंटरेस्ट बनाए रखेगा। कई बार आपको पता ही नहीं लगेगा कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे सीन भी यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ आप भी जानने के लिए उत्सुक होगे कि अब आगे होगा तो होगा क्या। डायरेक्टर अजय उड़ान ने मेरठ, दिल्ली और जयपुर जैसी जगहों पर काम कर किया है। इस सीरीज़ में एक चोर और एक पुलिस वाले के बीच चूहे बिल्ली की जो रेस है उसे अच्छे से यहाँ पर नरेट किया गया है। रवि दुबे ने अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ किया है। रवि हैं उन्होंने यहाँ पर इसमें कई किरदार थे जिसमें उन्होंने पहचानना मुश्किल था, हालांकि जो उनका पहला गेटअप था उसमें वो कबीर सिंह जैसे दिखते हैं। उन्होंने अपने हर किरदार को बखूबी निभाया हुआ है। रवि किशन ने तेजराज सिंह का किरदार बखूबी निभाया है। रवि किशन की एंट्री कहानी में अलग ट्विस्ट ले आती है। बाकी किरदारों में आपको जैसे भी पीयूष मिश्रा, मधुर मित्तल और राजेश शर्मा ने जो अपना काम शानदार किया हुआ है। सोनाली दशरथ द्वारा प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी शानदार है और सिनेमेटोग्राफर मनोज राठी ने भी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन काम दिया हुआ है। इन्होंने यहाँ पर दिल्ली, मेरठ, जयपुर और सांभर शहर को अच्छे से कैप्चर किया हुआ है। हालांकि एडिटिंग थोड़ी और मज़ेदार हो सकती थी, लेकिन इस पर शो पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। शो के लास्ट सीन से पता चल रहा है कि मत्स्य कांड के अगले सीजन में काफ़ी मज़ा आने वाला है और ओवरऑल मत्स्य कांड काफ़ी मज़ेदार वेब सीरीज़ देखने को मिलेंगी, आपको ये कहानी से जोड़े रखेंगी। रवि दुबे और रवि किशन स्टारर इस शो का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था तब लोगों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। लोगों को स्टार्ट से ही ये जानना था कि आखिरकार इस सीरीज़ में जीत होगी दूर होगी किसकी, और कौन पकड़ा जाएगा और कौन दोस्तों जल जाएगा। तो आप सब लोग भी अगर इस सभी सवाल के जवाब ढूंढना चाहते हैं तो आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी, जो कि MX प्लेयर की ऑफिशियल ऐप पर और उनकी ऑफिशियल साइट पर आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगी। तो काफ़ी तगड़ी ये वेब सीरीज़ बनाई गई है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इसे ज़रूर देखिए, ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी। जितने भी किरदार हैं इन सभी ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अपना काम इन्होंने बखूबी निभाया हुआ है। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की वेब सीरीज़ का निर्माण है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये भी आता है, अगर एक मूवी होती तो क्या सीरीज थी। तो दोस्तों आप इसे मूवी भी कह सकते हैं। अगर आप कुछ सीन को काट देंगे और मर्ज कर लेंगे तो लगभग इसका रन टाइम भी इतना ही हो ही जाएगा जो कि मूवी के काबिल है। तो अगर आप इसे नहीं देखे तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग इसे देखिए, ये आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसे YouTube पे रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूँगा। आप सभी लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और आप में से दोस्तों कोई लोग इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये सीरीज़ आपको कैसी लगी थी। हालांकि YouTube पर उपलब्ध नहीं है और ना ही होगी, क्योंकि MX प्लेयर जो है अपने प्लेटफॉर्म पर इसे ऑलरेडी फ्री में कर चुका है, तो YouTube पर डालने का कोई फ़ायदा उनका है ही नहीं। इसलिए आप इसे MX प्लेयर पर देख सकते हैं। और अगर इसे YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूँगा। बाकी आप इसे ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। और दूसरी बात यह है कि वेब सीरीज़ है तो आपको ध्यान रखना होगा किसी फैमिली के साथ ना देखे। आपका हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज हम यहाँ पर आपको एक कमाल की जो है उस सीरीज़ के बारे में बताने वाले हैं। और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आ चुकी हो। मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ आपको कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, वो भी फ्री में। क्या इसकी कहानी है, इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर बात करें तो ये एक वैसे तो वेब सीरीज़ है, पर आप चाहें तो इसे मूवी भी कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसकी कास्टिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आपको एक कमाल की स्टार कास्टिंग देखने को मिलती है और सभी कलाकारों ने यहाँ पर जो काम भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है। इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है मत्स्याकांड। 2021 में इसे रिलीज़ किया गया था और इसके अंदर दोस्तों आपको जो है थ्रिल देखने को मिलता है। और इसका एक ही सीज़न आ चुका है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है। कहा जा रहा है कि इसका दूसरा सीज़न भी आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो रेटिंग तो काफ़ी बढ़िया जी, जो IMDb है वहाँ पर 10 में से 8.8 की रेटिंग मिली हुई है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इसे 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। चलिए बात करते हैं इसकी कास्टिंग के बारे में। और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंदर आपको वैसे लीड कास्टिंग में जोया अफरोज, रवि दुबे, मधुर मित्तल, पीयूष मिश्रा, राजेश शर्मा, नावेद असलम, प्रतीक सिंह सोलंकी, श्रीकांत वर्मा, राज शर्मा, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं। सवाल यहाँ पर ये आता है कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं हिंदी में तो कहाँ पर ये उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को हिंदी में वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो जो MX प्लेयर हैं वहाँ पर ये हिंदी में उपलब्ध है। आप लोग इसे MX प्लेयर पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ और वो भी हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएंगी। इसके डायरेक्टर अजय भिवान रहे थे, जो बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं। और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में और मूवीज़ बनाई हुई है, सॉरी वेब सीरीज़ बनाई हुई है। तो मत्स्य जो थड़ा है वो रवि दुबे लोगों को जान में फंसा कर उन्हें लूट कर चला जाता है। तो मत्स्य को पकड़ने के लिए SCP तेजराज सिंह को बुलाया जाता है। इसके बाद दोनों के बीच चूहे बिल्ली वाली रेस शुरू हो जाती है। अब दोनों के बीच क्या क्या होता है, इसके लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। ये सीरीज़ कांड पर बनी हुई है, मतलब कि स्कैम। इस शो के हर एपिसोड का एक खास टाइटल दिया गया है जो कि किसी पौराणिक चरित्र से रिलेटेड है, स्पेशली महाभारत से। शिव सिंह का स्क्रीन प्ले आपका शो में पूरा इंटरेस्ट बनाए रखेगा। कई बार आपको पता ही नहीं लगेगा कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे सीन भी यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ आप भी जानने के लिए उत्सुक होगे कि अब आगे होगा तो होगा क्या। डायरेक्टर अजय भिवान ने मेरठ, दिल्ली और जयपुर जैसी जगहों पर काम कर किया है। इस सीरीज़ में एक चोर और एक पुलिस वाले के बीच चूहे बिल्ली की जो रेस है उसे अच्छे से यहाँ पर नरेट किया गया है। रवि दुबे ने अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ किया है। रवि हैं उन्होंने यहाँ पर इसमें कई किरदार थे जिसमें उन्होंने पहचानना मुश्किल था। हालांकि जो उनका पहला गेटअप था उसमें वो कबीर सिंह जैसे दिखते हैं। उन्होंने अपने हर किरदार को बखूबी निभाया हुआ है। रवि किशन ने तेजराज सिंह का किरदार बखूबी निभाया है। रवि किशन की एंट्री कहानी में अलग पिसलें आती है। बाकी किरदारों में आपको जैसे भी पीयूष मिश्रा, मधुर मित्तल और राजेश शर्मा ने जो अपना काम शानदार किया हुआ है। सोनाली दशरथ द्वारा प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी शानदार है और सिनेमेटोग्राफर मनोज राठी ने भी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन काम दिया हुआ है। इन्होंने यहाँ पर दिल्ली, मेरठ, जयपुर और सांभर शहर को अच्छे से कैप्चर किया हुआ है। हालांकि एडिटिंग थोड़ी और मज़ेदार हो सकती थी, लेकिन इस पर शो पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। शो के लास्ट सीन से पता चल रहा है कि मत्स्यकांड के अगले सीजन में काफ़ी मज़ा आने वाला है। और ओवरऑल मत्स्यकांड काफ़ी मज़ेदार वेब सीरीज़ देखने को मिलेंगी, आपको ये कहानी से जोड़े रखेंगी। रवि दुबे और रवि किशन स्टारर इस शो का जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ था तब लोगों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। लोगों को स्टार्ट से ही ये जानना था कि आखिरकार इस सीरीज़ में जीत होगी दूर होगी किसकी, और कौन पकड़ा जाएगा और कौन दोस्तों जल जाएगा। तो आप सब लोग भी अगर इस सभी सवाल के जवाब ढूंढना चाहते हैं तो आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेंगी, जो कि MX प्लेयर की ऑफिशियल ऐप पर और उनकी ऑफिशियल साइट पर आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगी। तो काफ़ी तगड़ी ये वेब सीरीज़ बनाई गई है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसे ज़रूर देखिए, ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जितने भी किरदार हैं इन सभी ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अपना काम इन्होंने बखूबी निभाया हुआ है। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की वेब सीरीज़ का निर्माण है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये भी आता है अगर एक मूवी होती तो क्या सीरीज थी। तो दोस्तों आप इसे मूवी भी कह सकते हैं, अगर आपको सीन को काट देंगे और मर्ज कर लेंगे तो लगभग इसका रन टाइम में इतना ही हो ही जाएगा जो कि एक मूवी के काबिल है। तो अगर आप इसे नहीं देखे तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसे देखिए, ये आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसे यूट्यूब पे रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूंगा। आप सभी लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और आप में से दोस्तों कोई लोग इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये सीरीज़ आपको कैसी लगी थी। हालांकि यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है और ना ही होगी, क्योंकि एमएक्स पेयर जो है अपने प्लेटफॉर्म पर इसे ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है, तो यूट्यूब पर डालने का कोई फ़ायदा उनका है ही नहीं, इसलिए आप इसे एमएक्स पेयर पर देख सकते हैं। और अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूंगा। बाकी आप इसे ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। और दूसरी बात यह है कि वेब सीरीज़ है तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसे फैमिली के साथ ना देखें। आपका हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज हम यहाँ पर आपको एक कमाल की जो है उस सीरीज़ के बारे में बताने वाले हैं। और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आ चुकी हो। मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ आपको कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, वो भी फ्री में। क्या इसकी कहानी है, इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर बात करें तो ये एक वैसे तो वेब सीरीज़ है, पर आप चाहें तो इसे मूवी भी कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी कास्टिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आपको एक कमाल की स्टार कास्टिंग देखने को मिलती है और सभी कलाकारों ने यहाँ पर जो काम भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है। इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है मत्स्याकांड। 2021 में से रिलीज़ किया गया था और इसके अंदर दोस्तों आपको जो है थ्रिल देखने को मिलता है। और इसका एक ही सीज़न आ चुका है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है। कहा जा रहा है कि इसका दूसरा सीज़न भी आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो रेटिंग थी वो काफ़ी बढ़िया थी, जो IMDb है वहाँ पर 10 में से 8.8 की रेटिंग मिली हुई है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इसे 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। चलिए बात करते हैं इसकी कास्टिंग के बारे में। और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंदर आपको वैसे लीड कास्ट में जोया अफरोज, रवि दुबे, मधुर मित्तल, पीयूष मिश्रा, राजेश शर्मा, नावेद असलम, प्रतीक सिंह सोलंकी, श्रीकांत वर्मा, राज शर्मा, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं। सवाल यहाँ पर ये आता है कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं हिंदी में तो कहाँ पर ये उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को हिंदी में वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो जो MX प्लेयर हैं वहाँ पर ये हिंदी में उपलब्ध है। आप लोग इसे MX प्लेयर पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ और वो भी हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएंगी। इसके डायरेक्टर अजय बिवान रहे थे, जो बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में और मूवीज़ बनाई हुई है, सॉरी वेब सीरीज़ बनाई हुई है। तो मत्स्य जो थड़ा है वो रवि दुबे लोगों को जान में फंसाकर उन्हें लूट कर चला जाता है। तो मत्स्य को पकड़ने के लिए SCP तेजराज सिंह को बुलाया जाता है। इसके बाद दोनों के बीच चूहे बिल्ली वाली रेस शुरू हो जाती है। अब दोनों के बीच क्या क्या होता है इसके लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। ये सीरीज़ कांटे पर बनी हुई है, मतलब कि स्कैम। इस शो के हर एपिसोड का एक खास टाइटल दिया गया है जो कि किसी पौराणिक चरित्र से रिलेटेड है, स्पेशली महाभारत से। शिव सिंह का स्क्रीन प्ले आपका शो में पूरा इंटरेस्ट बनाए रखेगा। कई बार आपको पता ही नहीं लगेगा कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे सीन भी यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ आप भी जानने के लिए उत्सुक होगे कि अब आगे होगा तो होगा क्या। डायरेक्टर अजय उड़ान ने मेरठ, दिल्ली और जयपुर जैसी जगहों पर काम कर किया है। इस सीरीज़ में एक चोर और एक पुलिस वाले के बीच चूहे बिल्ली की जो रेस है उसे अच्छे से यहाँ पर नरेट किया गया है। रवि दुबे ने अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ किया है। रवि हैं उन्होंने यहाँ पर इसमें कई किरदार थे जिसमें उन्होंने पहचानना मुश्किल था। हालांकि जो उनका पहला गेटअप था उसमें वो कबीर सिंह जैसे दिखते हैं। उन्होंने अपने हर किरदार को बखूबी निभाया हुआ है। रवि किशन ने तेजराज सिंह का किरदार बखूबी निभाया है। रवि किशन की एंट्री कहानी में अलग ट्विस्ट ले आती है। बाकी किरदारों में आपको जैसे भी पीयूष मिश्रा, मधुर मित्तल और राजेश शर्मा ने जो अपना काम शानदार किया हुआ है। सोनाली दशरथ द्वारा प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी शानदार है और सिनेमेटोग्राफर मनोज राठी ने भी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन काम दिया हुआ है। इन्होंने यहाँ पर दिल्ली, मेरठ, जयपुर और सांभर शहर को अच्छे से कैप्चर किया हुआ है। हालांकि एडिटिंग थोड़ी और मज़ेदार हो सकती थी, लेकिन इस पर शो पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। शो के लास्ट सीन से पता चल रहा है कि मत्स्य कांड के अगले सीजन में काफ़ी मज़ा आने वाला है और ओवरऑल मत्स्य कांड काफ़ी मज़ेदार वेब सीरीज़ देखने को मिलेंगी, आपको ये कहानी से जोड़े रखेंगी। रवि दुबे और रवि किशन स्टारर इस शो का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था, हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। लोगों को स्टार्ट से ही ये जानना था कि आखिरकार इस सीरीज़ में जीत होगी दूर होगी किसकी और कौन पकड़ा जाएगा और कौन दोस्तों जल जाएगा। तो आप सब लोग भी अगर इस सभी सवाल के जवाब ढूंढना चाहते हैं तो आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी, जो कि एमएक्स प्लेयर की ऑफिशियल ऐप पर और उनकी ऑफिशियल साइट पर आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगी। तो काफ़ी तगड़ी ये वेब सीरीज़ बनाई गई है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसे ज़रूर देखिए, ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी। जितने भी किरदार हैं इन सभी ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अपना काम इन्होंने बखूबी निभाया हुआ है। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की वेब सीरीज़ का निर्माण है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये भी आता है, अगर एक मूवी होती तो क्या सीरीज थी। तो दोस्तों आप इसे मूवी भी कह सकते हैं। अगर आप कुछ सीन को काट देंगे और मर्ज कर लेंगे तो लगभग इसका रन टाइम में इतना ही हो ही जाएगा जो कि एक मूवी के काबिल है। तो अगर आप इसे नहीं देखे तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसे देखिए, ये आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूँगा। आप सभी लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और आप में से दोस्तों कोई लोग इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये सीरीज़ आपको कैसी लगी थी। हालांकि यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है और ना ही होगी, क्योंकि एमएक्स प्लेयर जो है अपने प्लेटफॉर्म पर इसे ऑलरेडी पे में कर चुका है, तो यूट्यूब पर डालने का कोई फ़ायदा उनका है ही नहीं। इसलिए आप इसे एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं। और अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूँगा। बाकी आप इसे ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। और दूसरी बात यह है कि वेब सीरीज़ है तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसे फैमिली के साथ ना देखें। आपका हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज हम यहाँ पर आपको एक कमाल की जो है उस सीरीज़ के बारे में बताने वाले हैं। और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आ चुकी हो। मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ आपको कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, वो भी फ्री में। क्या इसकी कहानी है, इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर बात करें तो ये एक वैसे तो वेब सीरीज़ है पर आप चाहें तो इसे मूवी भी कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी कास्टिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आपको एक कमाल की स्टार कास्टिंग देखने को मिलती है और सभी कलाकारों ने यहाँ पर जो काम भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है। इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है मत्स्याकांड। 2021 में से रिलीज़ किया गया था और इसके अंदर दोस्तों आपको जो है थ्रिल देखने को मिलता है। और इसका एक ही सीज़न आ चुका है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है। कहा जा रहा है कि इसका दूसरा सीज़न भी आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो रेटिंग तो काफ़ी बढ़िया जी, जो IMDb है वहाँ पर 10 में से 8.8 की रेटिंग मिली हुई है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इसे 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। चलिए बात करते हैं इसकी कास्टिंग के बारे में। और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंदर आपको वैसे लीड कास्टिंग में जोया अफरोज, रवि दुबे, मधुर मित्तल, पीयूष मिश्रा, राजेश शर्मा, नावेद असलम, प्रतीक सिंह सोलंकी, श्रीकांत वर्मा, राज शर्मा, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं। सवाल यहाँ पर ये आता है कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं हिंदी में तो कहाँ पर ये उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को हिंदी में वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो जो एमएक्स प्लेयर हैं वहाँ पर ये हिंदी में उपलब्ध है। आप लोग इसे एमएक्स प्लेयर पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ और वो भी हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएंगी। इसके डायरेक्टर अजय बिवान रहे थे, जो बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में और मूवीज़ बनाई हुई है, वेब सीरीज़ बनाई हुई है। तो मत्स्य जो थड़ा है वो रवि दुबे लोगों को जाल में फंसाकर उन्हें लूट कर चला जाता है। तो मत्स्य को पकड़ने के लिए एसीपी तेजराज सिंह को बुलाया जाता है। इसके बाद दोनों के बीच चूहे बिल्ली वाली रेस शुरू हो जाती है। अब दोनों के बीच क्या क्या होता है इसके लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। ये सीरीज़ कांड पर बनी हुई है, मतलब कि स्कैम। इस शो के हर एपिसोड का एक खास टाइटल दिया गया है जो कि किसी पौराणिक चरित्र से रिलेटेड है, स्पेशली महाभारत से। शिव सिंह का स्क्रीन प्ले आपका शो में पूरा इंटरेस्ट बनाए रखेगा। कई बार आपको पता ही नहीं लगेगा कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे सीन भी यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ आप भी जानने के लिए उत्सुक होगे कि अब आगे होगा तो होगा क्या। डायरेक्टर अजय उड़ान ने मेरठ, दिल्ली और जयपुर जैसी जगहों पर काम कर किया है। इस सीरीज़ में एक चोर और एक पुलिस वाले के बीच चूहे बिल्ली की जो रेस है उसे अच्छे से यहाँ पर नरेट किया गया है। रवि दुबे ने अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ किया है। रवि हैं उन्होंने यहाँ पर इसमें कई किरदार थे जिसमें उन्होंने पहचानना मुश्किल था। हालांकि जो उनका पहला गेटअप था उसमें वो कबीर सिंह जैसे दिखते हैं। उन्होंने अपने हर किरदार को बखूबी निभाया हुआ है। रवि किशन ने तेजराज सिंह का किरदार बखूबी निभाया है। रवि किशन की एंट्री कहानी में अलग पिसलें आती है। बाकी किरदारों में आपको जैसे भी पीयूष मिश्रा, मतिर मित्तल और राजेश शर्मा ने जो अपना काम शानदार किया हुआ है। सोनाली दशरथ द्वारा प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी शानदार है और सिनेमेटोग्राफर मनोज राठी ने भी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन काम दिया हुआ है। इन्होंने यहाँ पर दिल्ली, मेरठ, जयपुर और सांभर शहर को अच्छे से कैप्चर किया हुआ है। हालांकि एडिटिंग थोड़ी और मज़ेदार हो सकती थी, लेकिन इस पर शो पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। शो के लास्ट सीन से पता चल रहा है कि मत्स्य कांड के अगले सीजन में काफ़ी मज़ा आने वाला है और ओवरऑल मत्स्य कांड काफ़ी मज़ेदार वेब सीरीज़ देखने को मिलेंगी, आपको ये कहानी से जोड़े रखेंगी। रवि दुबे और रवि किशन स्टारर इस शो का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था तब लोगों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। लोगों को स्टार्ट से ही ये जानना था कि आखिरकार इस सीरीज़ में जीत होगी दूर होगी किसकी और कौन पकड़ा जाएगा और कौन दोस्तों जल जाएगा। तो आप सब लोग भी अगर इस सभी सवाल के जवाब ढूंढना चाहते हैं तो आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेंगी, जो कि एमएक्स प्लेयर की ऑफिशियल ऐप पर और उनकी ऑफिशियल साइट पर आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगी। तो काफ़ी तगड़ी ये वेब सीरीज़ बनाई गई है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसे ज़रूर देखिए, ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी। जितने भी किरदार हैं इन सभी ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अपना काम इन्होंने बखूबी निभाया हुआ है। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की वेब सीरीज़ का निर्माण है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये भी आता है अगर एक मूवी होती तो क्या सीरीज थी। तो दोस्तों आप इसे मूवी भी कह सकते हैं। अगर आप कुछ सीन को काट देंगे और मर्ज कर लेंगे तो लगभग इसका रन टाइम भी इतना ही हो ही जाएगा जो कि एक मूवी के काबिल है। तो अगर आप इसे नहीं देखे तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसे देखिए, ये आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसे यूट्यूब पे रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूंगा। आप सभी लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और आप में से दोस्तों कोई लोग इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये सीरीज़ आपको कैसी लगी थी। हालांकि यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है और ना ही होगी, क्योंकि एमएक्स प्लेयर जो है अपने प्लेटफॉर्म पर इसे ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है। तो यूट्यूब पर डालने का कोई फ़ायदा उनका है ही नहीं, इसलिए आप इसे एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं। और अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूंगा। बाकी आप इसे ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। और दूसरी बात यह है कि वेब सीरीज़ है तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसे फैमिली के साथ ना देखें। आपका हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज हम यहाँ पर आपको एक कमाल की जो है उस सीरीज़ के बारे में बताने वाले हैं। और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आ चुकी हो। मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ आपको कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, वो भी फ्री में। क्या इसकी कहानी है, इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर बात करें तो ये एक वैसे तो वेब सीरीज़ है पर आप चाहें तो इसे मूवी भी कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी कास्टिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आपको एक कमाल की स्टार कास्टिंग देखने को मिलती है और सभी कलाकारों ने यहाँ पर जो काम भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है। इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है मत्स्याकांड। 2021 में से रिलीज़ किया गया था और इसके अंदर दोस्तों आपको जो है थ्रिल देखने को मिलता है। और इसका एक ही सीज़न आ चुका है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है। कहा जा रहा है कि इसका दूसरा सीज़न भी आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो रेटिंग थी वो काफ़ी बढ़िया थी। जो IMDb है वहाँ पर 10 में से 8.8 की रेटिंग मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इसे 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। चलिए बात करते हैं इसकी कास्टिंग के बारे में, और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंदर आपको वैसे लीड कास्ट में जोया अफरोज, रवि दुबे, मधुर मित्तल, पीयूष मिश्रा, राजेश शर्मा, नावेद असलम, प्रतीक सिंह सोलंकी, श्रीकांत वर्मा, राज शर्मा, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं। सवाल यहाँ पर ये आता है कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं हिंदी में तो कहाँ पर ये उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को हिंदी में वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो जो MX प्लेयर हैं वहाँ पर ये हिंदी में उपलब्ध है। आप लोग इसे MX प्लेयर पर जाकर देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ और वो भी हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएंगी। इसके डायरेक्टर अजय भिवान रहे थे जो बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में और मूवीज़ बनाई हुई है, सॉरी वेब सीरीज़ बनाई हुई है। तो मत्स्य जो थड़ा है वो रवि दुबे लोगों को जान में फंसाकर उन्हें लूट कर चला जाता है। तो मत्स्य को पकड़ने के लिए SCP तेजराज सिंह को बुलाया जाता है। इसके बाद दोनों के बीच चूहे बिल्ली वाली रेस शुरू हो जाती है। अब दोनों के बीच क्या क्या होता है इसके लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। ये सीरीज़ कांटे पर बनी हुई है, मतलब कि स्कैम। इस शो के हर एपिसोड का एक खास टाइटल दिया गया है जो कि किसी पौराणिक चरित्र से रिलेटेड है, स्पेशली महाभारत से। शिव सिंह का स्क्रीन प्ले आपका शो में पूरा इंटरेस्ट बनाए रखेगा। कई बार आपको पता ही नहीं लगेगा कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे सीन भी यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ आप भी जानने के लिए उत्सुक होगे कि अब आगे होगा तो होगा क्या। डायरेक्टर अजय उड़ान ने मेरठ, दिल्ली और जयपुर जैसी जगहों पर काम कर किया है। इस सीरीज़ में एक चोर और एक पुलिस वाले के बीच चूहे बिल्ली की जो रेस है उसे अच्छे से यहाँ पर नरेट किया गया है। रवि दुबे ने अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ किया है। रवि हैं उन्होंने यहाँ पर इसमें कई किरदार थे जिसमें उन्होंने पहचानना मुश्किल था, हालांकि जो उनका पहला गेटअप था उसमें वो कबीर सिंह जैसे दिखते हैं। उन्होंने अपने हर किरदार को बखूबी निभाया हुआ है। रवि किशन ने तेजराज सिंह का किरदार बखूबी निभाया है। रवि किशन की एंट्री कहानी में अलग ट्विस्ट ले आती है। बाकी किरदारों में आपको जैसे भी पीयूष मिश्रा, मधुर मित्तल और राजेश शर्मा ने जो अपना काम शानदार किया हुआ है। सोनाली दशरथ द्वारा प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी शानदार है और सिनेमेटोग्राफर मनोज राठी ने भी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन काम दिया हुआ है। इन्होंने यहाँ पर दिल्ली, मेरठ, जयपुर और सांभर शहर को अच्छे से कैप्चर किया हुआ है। हालांकि एडिटिंग थोड़ी और मज़ेदार हो सकती थी, लेकिन इस पर शो पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। शो के लास्ट सीन से पता चल रहा है कि मत्स्य कांड के अगले सीजन में काफ़ी मज़ा आने वाला है और ओवरऑल मत्स्य कांड काफ़ी मज़ेदार वेब सीरीज़ देखने को मिलेंगी, आपको ये कहानी से जोड़े रखेंगी। रवि दुबे और रवि किशन स्टारर इस शो का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था तब लोगों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। लोगों को स्टार्ट से ही ये जानना था कि आखिरकार इस सीरीज़ में जीत होगी दूध होगी किसकी और कौन पकड़ा जाएगा और कौन दोस्तों जल जाएगा। तो आप सब लोग भी अगर इस सभी सवाल के जवाब ढूंढना चाहते हैं तो आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी जो कि MX प्लेयर की ऑफिशियल ऐप पर और उनकी ऑफिशियल साइट पर आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगी। तो काफ़ी तगड़ी ये वेब सीरीज़ बनाई गई है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इसे ज़रूर देखिए, ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी। जितने भी किरदार हैं इन सभी ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अपना काम इन्होंने बखूबी निभाया हुआ है। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की वेब सीरीज़ का निर्माण है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये भी आता है अगर एक मूवी होती तो क्या सीरीज थी। तो दोस्तों आप इसे मूवी भी कह सकते हैं। अगर आप कुछ सीन को काट देंगे और मर्ज कर लेंगे तो लगभग इसका रन टाइम में इतना ही हो ही जाएगा जो कि एक मूवी के काबिल है। तो अगर आप इसे नहीं देखे तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसे देखिए, ये आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसे YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूँगा। आप सभी लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और आप में से दोस्तों कोई लोग इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये सीरीज़ आपको कैसी लगी थी। हालांकि YouTube पर उपलब्ध नहीं है और ना ही होगी क्योंकि MX प्लेयर जो है अपने प्लेटफॉर्म पर इसे ऑलरेडी पे में कर चुका है, तो YouTube पर डालने का कोई फ़ायदा उनका है ही नहीं, इसलिए आप इसे MX प्लेयर पर देख सकते हैं। और अगर इसे YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूँगा। बाकी आप इसे ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। और दूसरी बात यह है कि वेब सीरीज़ है तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसे फैमिली के साथ ना देखें। आपका हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज हम यहाँ पर आपको एक कमाल की जो है उस सीरीज़ के बारे में बताने वाले हैं। और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आ चुकी हो। मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ आपको कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, वो भी फ्री में। क्या इसकी कहानी है, इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर बात करें तो ये एक वैसे तो वेब सीरीज़ है, पर आप चाहें तो इसे मूवी भी कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसकी कास्टिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आपको एक कमाल की स्टार कास्टिंग देखने को मिलती है और सभी कलाकारों ने यहाँ पर जो काम भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है। इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है मत्स्याकांड। 2021 में इसे रिलीज़ किया गया था और इसके अंदर दोस्तों आपको जो है थ्रिल देखने को मिलता है। और इसका एक ही सीज़न आ चुका है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है। कहा जा रहा है कि इसका दूसरा सीज़न भी आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो रेटिंग तो काफ़ी बढ़िया जी, जो IMDb है वहाँ पर 10 में से 8.8 की रेटिंग मिली हुई है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इसे 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। चलिए बात करते हैं इसकी कास्टिंग के बारे में। और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंदर आपको वैसे लीड कास्ट में जोया अफरोज, रवि दुबे, मधुर मित्तल, पीयूष मिश्रा, राजेश शर्मा, नावेद असलम, प्रतीक सिंह सोलंकी, श्रीकांत वर्मा, राज शर्मा, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं। सवाल यहाँ पर ये आता है कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं हिंदी में तो कहाँ पर ये उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को हिंदी में वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो जो MX प्लेयर हैं वहाँ पर ये हिंदी में उपलब्ध है। आप लोग इसे MX प्लेयर पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ और वो भी हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएंगी। इसके डायरेक्टर अजय बिवान रहे थे, जो बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं। और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में और मूवीज़ बनाई हुई है, सॉरी वेब सीरीज़ बनाई हुई है। तो मत्स्य जो थड़ा है वो रवि दुबे लोगों को जान में फंसा कर उन्हें लूट कर चला जाता है। तो मत्स्य को पकड़ने के लिए SCP तेजराज सिंह को बुलाया जाता है। इसके बाद दोनों के बीच चूहे बिल्ली वाली रेस शुरू हो जाती है। अब दोनों के बीच क्या क्या होता है, इसके लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। ये सीरीज़ कांड पर बनी हुई है, मतलब कि स्कैम। इस शो के हर एपिसोड का एक खास टाइटल दिया गया है जो कि किसी पौराणिक चरित्र से रिलेटेड है, स्पेशली महाभारत से। शिव सिंह का स्क्रीन प्ले आपका शो में पूरा इंटरेस्ट बनाए रखेगा। कई बार आपको पता ही नहीं लगेगा कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे सीन भी यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ आप भी जानने के लिए उत्सुक होगे कि अब आगे होगा तो होगा क्या। डायरेक्टर अजय बिवान ने मेरठ, दिल्ली और जयपुर जैसी जगहों पर काम कर किया है। इस सीरीज़ में एक चोर और एक पुलिस वाले के बीच चूहे बिल्ली की जो रेस है उसे अच्छे से यहाँ पर नरेट किया गया है। रवि दुबे ने अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ किया है। रवि हैं उन्होंने यहाँ पर इसमें कई किरदार थे जिसमें उन्होंने पहचानना मुश्किल था। हालांकि जो उनका पहला गेटअप था उसमें वो कबीर सिंह जैसे दिखते हैं। उन्होंने अपने हर किरदार को बखूबी निभाया हुआ है। रवि किशन ने तेजराज सिंह का किरदार बखूबी निभाया है। रवि किशन की एंट्री कहानी में अलग पिसलें आती है। बाकी किरदारों में आपको जैसे भी पीयूष मिश्रा, मधुर मित्तल और राजेश शर्मा ने जो अपना काम शानदार किया हुआ है। सोनाली दशरथ द्वारा प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी शानदार है और सिनेमेटोग्राफर मनोज राठी ने भी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन काम दिया हुआ है। इन्होंने यहाँ पर दिल्ली, मेरठ, जयपुर और सांभर शहर को अच्छे से कैप्चर किया हुआ है। हालांकि एडिटिंग थोड़ी और मज़ेदार हो सकती थी, लेकिन इस पर शो पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। शो के लास्ट सीन से पता चल रहा है कि मत्स्यकांड के अगले सीजन में काफ़ी मज़ा आने वाला है। और ओवरऑल मत्स्यकांड काफ़ी मज़ेदार वेब सीरीज़ देखने को मिलेंगी, आपको ये कहानी से जोड़े रखेंगी। रवि दुबे और रवि किशन स्टारर इस शो का जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ था तब लोगों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। लोगों को स्टार्ट से ही ये जानना था कि आखिरकार इस सीरीज़ में जीत होगी दूर होगी किसकी, और कौन पकड़ा जाएगा और कौन दोस्तों जल जाएगा। तो आप सब लोग भी अगर इस सभी सवाल के जवाब ढूंढना चाहते हैं तो आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी, जो कि MX प्लेयर की ऑफिशियल ऐप पर और उनकी ऑफिशियल साइट पर आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगी। तो काफ़ी तगड़ी ये वेब सीरीज़ बनाई गई है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसे ज़रूर देखिए, ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी। जितने भी किरदार हैं इन सभी ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अपना काम इन्होंने बखूबी निभाया हुआ है। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की वेब सीरीज़ का निर्माण है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये भी आता है अगर एक मूवी होती तो क्या सीरीज थी। तो दोस्तों आप इसे मूवी भी कह सकते हैं। अगर आपको सीन को काट देंगे और मर्ज कर लेंगे तो लगभग इसका रन टाइम भी इतना ही हो ही जाएगा जो कि एक मूवी के काबिल है। तो अगर आप इसे नहीं देखे तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसे देखिए, ये आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसे यूट्यूब पे रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूंगा। आप सभी लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और आप में से दोस्तों कोई लोग इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये सीरीज़ आपको कैसी लगी थी। हालांकि यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है और ना ही होगी, क्योंकि एमएक्स पर जो है अपने प्लेटफॉर्म पर इसे ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है, तो यूट्यूब पर डालने का कोई फ़ायदा उनका है ही नहीं। इसलिए आप इसे एमएक्स पर भी देख सकते हैं। और अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूंगा। बाकी आप इसे ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। और दूसरी बात यह है कि वेब सीरीज़ है तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसे फैमिली के साथ ना देखें। आपका हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज हम यहाँ पर आपको एक कमाल की जो है उस सीरीज़ के बारे में बताने वाले हैं। और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आ चुकी हो। मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ आपको कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, वो भी फ्री में। क्या इसकी कहानी है, इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर बात करें तो ये एक वैसे तो वेब सीरीज़ है, पर आप चाहें तो इसे मूवी भी कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी कास्टिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आपको एक कमाल की स्टार कास्टिंग देखने को मिलती है और सभी कलाकारों ने यहाँ पर जो काम भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है। इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है मत्स्याकांड। 2021 में से रिलीज़ किया गया था और इसके अंदर दोस्तों आपको जो है थ्रिल देखने को मिलता है। और इसका एक ही सीज़न आ चुका है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है। कहा जा रहा है कि इसका दूसरा सीज़न भी आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो रेटिंग थी वो काफ़ी बढ़िया थी। जो IMDb है वहाँ पर 10 में से 8.8 की रेटिंग मिली हुई है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इसे 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। चलिए बात करते हैं इसकी कास्टिंग के बारे में। और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंदर आपको वैसे लीड कास्ट में जोया अफरोज, रवि दुबे, मधुर मित्तल, पीयूष मिश्रा, राजेश शर्मा, नावेद असलम, प्रतीक सिंह सोलंकी, श्रीकांत वर्मा, राज शर्मा, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं। सवाल यहाँ पर ये आता है कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं हिंदी में तो कहाँ पर ये उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को हिंदी में वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो जो MX प्लेयर हैं वहाँ पर ये हिंदी में उपलब्ध है। आप लोग इसे MX प्लेयर पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ और वो भी हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएंगी। इसके डायरेक्टर अजय बिवान रहे थे जो बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में और मूवीज़ बनाई हुई है, सॉरी वेब सीरीज़ बनाई हुई है। तो मत्स्य जो थड़ा है वो रवि दुबे लोगों को जान में फंसाकर उन्हें लूट कर चला जाता है। तो मत्स्य को पकड़ने के लिए SCP तेजराज सिंह को बुलाया जाता है। इसके बाद दोनों के बीच चूहे बिल्ली वाली रेस शुरू हो जाती है। अब दोनों के बीच क्या क्या होता है इसके लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। ये सीरीज़ कांड पर बनी हुई है, मतलब कि स्कैम। इस शो के हर एपिसोड का एक खास टाइटल दिया गया है जो कि किसी पौराणिक चरित्र से रिलेटेड है, स्पेशली महाभारत से। शिव सिंह का स्क्रीन प्ले आपका शो में पूरा इंटरेस्ट बनाए रखेगा। कई बार आपको पता ही नहीं लगेगा कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे सीन भी यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ आप भी जानने के लिए उत्सुक होगे कि अब आगे होगा तो होगा क्या। डायरेक्टर अजय उड़ान ने मेरठ, दिल्ली और जयपुर जैसी जगहों पर काम कर किया है। इस सीरीज़ में एक चोर और एक पुलिस वाले के बीच चूहे बिल्ली की जो रेस है उसे अच्छे से यहाँ पर नरेट किया गया है। रवि दुबे ने अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ किया है। रवि हैं उन्होंने यहाँ पर इसमें कई किरदार थे जिसमें उन्होंने पहचानना मुश्किल था। हालांकि जो उनका पहला गेटअप था उसमें वो कबीर सिंह जैसे दिखते हैं और उन्होंने अपने हर किरदार को बखूबी निभाया हुआ है। रवि किशन ने तेजराज सिंह का किरदार बखूबी निभाया है। रवि किशन की एंट्री कहानी में अलग ट्विस्ट ले आती है। बाकी किरदारों में आपको जैसे भी पीयूष मिश्रा, मथुर मित्तल और राजेश शर्मा ने जो अपना काम शानदार किया हुआ है। सोनाली दशरथ द्वारा प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी शानदार है और सिनेमेटोग्राफर मनोज राठी ने भी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन काम दिया हुआ है। इन्होंने यहाँ पर दिल्ली, मेरठ, जयपुर और सांभर शहर को अच्छे से कैप्चर किया हुआ है। हालांकि एडिटिंग थोड़ी और मज़ेदार हो सकती थी, लेकिन इस पर शो पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। शो के लास्ट सीन से पता चल रहा है कि मत्स्य कांड के अगले सीजन में काफ़ी मज़ा आने वाला है और ओवरऑल मत्स्य कांड काफ़ी मज़ेदार वेब सीरीज़ देखने को मिलेंगी, आपको ये कहानी से जोड़े रखेंगी। रवि दुबे और रवि किशन स्टारर इस शो का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था, हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। लोगों को स्टार्ट से ही ये जानना था कि आखिरकार इस सीरीज़ में जीत होगी दूर होगी किसकी और कौन पकड़ा जाएगा और कौन दोस्तों जल जाएगा। तो आप सब लोग भी अगर इस सभी सवाल के जवाब ढूंढना चाहते हैं तो आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी, जो कि एमएक्स प्लेयर की ऑफिशियल ऐप पर और उनकी ऑफिशियल साइट पर आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगी। तो काफ़ी तगड़ी ये वेब सीरीज़ बनाई गई है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसे ज़रूर देखिए, ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी। जितने भी किरदार हैं इन सभी ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अपना काम इन्होंने बखूबी निभाया हुआ है। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की वेब सीरीज़ का निर्माण है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये भी आता है, अगर एक मूवी होती तो क्या सीरीज थी। तो दोस्तों आप इसे मूवी भी कह सकते हैं। अगर आपको सीन को काट देंगे और मर्ज कर लेंगे तो लगभग इसका रन टाइम में इतना ही हो ही जाएगा जो कि एक मूवी के काबिल है। तो अगर आप इसे नहीं देखे तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसे देखिए, ये आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूँगा। आप सभी लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और आप में से दोस्तों कोई लोग इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये सीरीज़ आपको कैसी लगी थी। हालांकि यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है और ना ही होगी, क्योंकि एमएक्स प्लेयर जो है अपने प्लेटफॉर्म पर इसे ऑलरेडी पे में कर चुका है, तो यूट्यूब पर डालने का कोई फ़ायदा उनका है ही नहीं। इसलिए आप इसे एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं। और अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूँगा। बाकी आप इसे ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। और दूसरी बात यह है कि वेब सीरीज़ है तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसे फैमिली के साथ ना देखें। आपका हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज हम यहाँ पर आपको एक कमाल की जो है उस सीरीज़ के बारे में बताने वाले हैं। और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आ चुकी हो। मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ आपको कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, वो भी फ्री में। क्या इसकी कहानी है, इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर बात करें तो ये एक वैसे तो वेब सीरीज़ है पर आप चाहें तो इसे मूवी भी कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी कास्टिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आपको एक कमाल की स्टार कास्टिंग देखने को मिलती है और सभी कलाकारों ने यहाँ पर जो काम भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है। इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है मत्स्याकांड। 2021 में से रिलीज़ किया गया था और इसके अंदर दोस्तों आपको जो है थ्रिल देखने को मिलता है। और इसका एक ही सीज़न आ चुका है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है। कहा जा रहा है कि इसका दूसरा सीज़न भी आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो रेटिंग तो काफ़ी बढ़िया जी, जो IMDb है वहाँ पर 10 में से 8.8 की रेटिंग मिली हुई है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इसे 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। चलिए बात करते हैं इसकी कास्टिंग के बारे में। और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंदर आपको वैसे लीड कास्टिंग में जोया अफरोज, रवि दुबे, मधुर मित्तल, पीयूष मिश्रा, राजेश शर्मा, नावेद असलम, प्रतीक सिंह सोलंकी, श्रीकांत वर्मा, राज शर्मा, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं। सवाल यहाँ पर ये आता है कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं हिंदी में तो कहाँ पर ये उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को हिंदी में वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो जो एमएक्स प्लेयर हैं वहाँ पर ये हिंदी में उपलब्ध है। आप लोग इसे एमएक्स प्लेयर पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ और वो भी हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएंगी। इसके डायरेक्टर अजय भिवान रहे थे, जो बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में और मूवीज़ बनाई हुई है, सॉरी वेब सीरीज़ बनाई हुई है। तो मत्स्य जो थड़ा है वो रवि दवे लोगों को जाल में फंसा कर उन्हें लूट कर चला जाता है। तो मत्स्य को पकड़ने के लिए एसीपी तेजराज सिंह को बुलाया जाता है। इसके बाद दोनों के बीच चूहे बिल्ली वाली रेस शुरू हो जाती है। अब दोनों के बीच क्या क्या होता है इसके लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। ये सीरीज़ कांड पर बनी हुई है, मतलब कि स्कैम। इस शो के हर एपिसोड का एक खास टाइटल दिया गया है जो कि किसी पौराणिक चरित्र से रिलेटेड है, स्पेशली महाभारत से। शिव सिंह का स्क्रीन प्ले आपका शो में पूरा इंटरेस्ट बनाए रखेगा। कई बार आपको पता ही नहीं लगेगा कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे सीन भी यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ आप भी जानने के लिए उत्सुक होगे कि अब आगे होगा तो होगा क्या। डायरेक्टर अजय उड़ान ने मेरठ, दिल्ली और जयपुर जैसी जगहों पर काम कर किया है। इस सीरीज़ में एक चोर और एक पुलिस वाले के बीच चूहे बिल्ली की जो रेस है उसे अच्छे से यहाँ पर नरेट किया गया है। रवि दुबे ने अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ किया है। रवि हैं उन्होंने यहाँ पर इसमें कई किरदार थे जिसमें उन्होंने पहचानना मुश्किल था। हालांकि जो उनका पहला गेटअप था उसमें वो कबीर सिंह जैसे दिखते हैं। उन्होंने अपने हर किरदार को बखूबी निभाया हुआ है। रवि किशन ने तेजराज सिंह का किरदार बखूबी निभाया है। रवि किशन की एंट्री कहानी में अलग पिसलें आती है। बाकी किरदारों में आपको जैसे भी पीयूष मिश्रा, मतिन मित्तल और राजेश शर्मा ने जो अपना काम शानदार किया हुआ है। सोनाली दशरथ द्वारा प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी शानदार है और सिनेमेटोग्राफर मनोज राठी ने भी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन काम दिया हुआ है। इन्होंने यहाँ पर दिल्ली, मेरठ, जयपुर और सांभर शहर को अच्छे से कैप्चर किया हुआ है। हालांकि एडिटिंग थोड़ी और मज़ेदार हो सकती थी, लेकिन इस पर शो पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। शो के लास्ट सीन से पता चल रहा है कि मत्स्य कांड के अगले सीजन में काफ़ी मज़ा आने वाला है और ओवरऑल मत्स्य कांड काफ़ी मज़ेदार वेब सीरीज़ देखने को मिलेंगी, आपको ये कहानी से जोड़े रखेंगी। रवि दुबे और रवि किशन स्टारर इस शो का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था तब लोगों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। लोगों को स्टार्ट से ही ये जानना था कि आखिरकार इस सीरीज़ में जीत होगी दूर होगी किसकी और कौन पकड़ा जाएगा और कौन दोस्तों जल जाएगा। तो आप सब लोग भी अगर इस सभी सवाल के जवाब ढूंढना चाहते हैं तो आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेंगी, जो कि एमएक्स प्लेयर की ऑफिशियल ऐप पर और उनकी ऑफिशियल साइट पर आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगी। तो काफ़ी तगड़ी ये वेब सीरीज़ बनाई गई है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसे ज़रूर देखिए, ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी। जितने भी किरदार हैं इन सभी ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अपना काम इन्होंने बखूबी निभाया हुआ है। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की वेब सीरीज़ का निर्माण है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये भी आता है अगर एक मूवी होती तो क्या सीरीज थी। तो दोस्तों आप इसे मूवी भी कह सकते हैं। अगर आप कुछ सीन को काट देंगे और मर्ज कर लेंगे तो लगभग इसका रन टाइम भी इतना ही हो ही जाएगा जो कि एक मूवी के काबिल है। तो अगर आप इसे नहीं देखे तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसे देखिए, ये आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूँगा। आप सभी लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और आप में से दोस्तों कोई लोग इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये सीरीज़ आपको कैसी लगी थी। हालांकि यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है और ना ही होगी, क्योंकि एमएक्स प्लेयर जो है अपने प्लेटफॉर्म पर इसे ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है। तो यूट्यूब पर डालने का कोई फ़ायदा उनका है ही नहीं, इसलिए आप इसे एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं। और अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूँगा। बाकी आप इसे ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। और दूसरी बात यह है कि वेब सीरीज़ है तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसे फैमिली के साथ ना देखें। आपका हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज हम यहाँ पर आपको एक कमाल की जो है उस सीरीज़ के बारे में बताने वाले हैं। और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आ चुकी हो। मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ आपको कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, वो भी फ्री में। क्या इसकी कहानी है, इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर बात करें तो ये एक वैसे तो वेब सीरीज़ है, पर आप चाहें तो इसे मूवी भी कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी कास्टिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आपको एक कमाल की स्टार कास्टिंग देखने को मिलती है और सभी कलाकारों ने यहाँ पर जो काम भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है। इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है मत्स्याकांड। 2021 में से रिलीज़ किया गया था और इसके अंदर दोस्तों आपको जो है थ्रिल देखने को मिलता है और इसका एक ही सीज़न आ चुका है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है। कहा जा रहा है कि इसका दूसरा सीज़न भी आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो रेटिंग थी वो काफ़ी बढ़िया थी, जो IMDb है वहाँ पर 10 में से 8.8 की रेटिंग मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इसे 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। चलिए बात करते हैं इसकी कास्टिंग के बारे में, और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंदर आपको वैसे लीड कास्ट में जोया अफरोज, रवि दुबे, मधुर मित्तल, पीयूष मिश्रा, राजेश शर्मा, नावेद असलम, प्रतीक सिंह सोलंकी, श्रीकांत वर्मा, राज शर्मा, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं। सवाल यहाँ पर ये आता है कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं हिंदी में तो कहाँ पर ये उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को हिंदी में वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो जो MX प्लेयर हैं वहाँ पर ये हिंदी में उपलब्ध है। आप लोग इसे MX प्लेयर पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ और वो भी हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएंगी। इसके डायरेक्टर अजय बिवान रहे थे, जो बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में और मूवीज़ बनाई हुई है, सॉरी वेब सीरीज़ बनाई हुई है। तो मत्स्य जो थड़ा है वो रवि दुबे लोगों को जाल में फंसाकर उन्हें लूट कर चला जाता है। तो मत्स्य को पकड़ने के लिए SCP तेजराज सिंह को बुलाया जाता है। इसके बाद दोनों के बीच चूहे बिल्ली वाली रेस शुरू हो जाती है। अब दोनों के बीच क्या क्या होता है इसके लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। ये सीरीज़ कांटे पर बनी हुई है, मतलब कि स्कैम। इस शो के हर एपिसोड का एक खास टाइटल दिया गया है जो कि किसी पौराणिक चरित्र से रिलेटेड है, स्पेशली महाभारत से। शिव सिंह का स्क्रीन प्ले आपका शो में पूरा इंटरेस्ट बनाए रखेगा। कई बार आपको पता ही नहीं लगेगा कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे सीन भी यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ आप भी जानने के लिए उत्सुक होगे कि अब आगे होगा तो होगा क्या। डायरेक्टर अजय बिवान ने मेरठ, दिल्ली और जयपुर जैसी जगहों पर काम कर किया है। इस सीरीज़ में एक चोर और एक पुलिस वाले के बीच चूहे बिल्ली की जो रेस है उसे अच्छे से यहाँ पर नरेट किया गया है। रवि दुबे ने अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ किया है। रवि हैं उन्होंने यहाँ पर इसमें कई किरदार थे जिसमें उन्होंने पहचानना मुश्किल था, हालांकि जो उनका पहला गेटअप था उसमें वो कबीर सिंह जैसे दिखते हैं। उन्होंने अपने हर किरदार को बखूबी निभाया हुआ है। रवि किशन ने तेजराज सिंह का किरदार बखूबी निभाया है। रवि किशन की एंट्री कहानी में अलग ट्विस्ट ले आती है। बाकी किरदारों में आपको जैसे भी पीयूष मिश्रा, मधुर मित्तल और राजेश शर्मा ने जो अपना काम शानदार किया हुआ है। सोनाली दशरथ द्वारा प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी शानदार है और सिनेमेटोग्राफर मनोज राठी ने भी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन काम दिया हुआ है। इन्होंने यहाँ पर दिल्ली, मेरठ, जयपुर और सांभर शहर को अच्छे से कैप्चर किया हुआ है। हालांकि एडिटिंग थोड़ी और मज़ेदार हो सकती थी, लेकिन इस पर शो पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। शो के लास्ट सीन से पता चल रहा है कि मत्स्य कांड के अगले सीजन में काफ़ी मज़ा आने वाला है और ओवरऑल मत्स्य कांड काफ़ी मज़ेदार वेब सीरीज़ देखने को मिलेंगी, आपको ये कहानी से जोड़े रखेंगी। रवि दुबे और रवि किशन स्टारर इस शो का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था तब लोगों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। लोगों को स्टार्ट से ही ये जानना था कि आखिरकार इस सीरीज़ में जीत होगी दूध होगी किसकी, और कौन पकड़ा जाएगा और कौन दोस्तों जल जाएगा। तो आप सब लोग भी अगर इस सभी सवाल के जवाब ढूंढना चाहते हैं तो आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी, जो कि MX प्लेयर की ऑफिशियल ऐप पर और उनकी ऑफिशियल साइट पर आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगी। तो काफ़ी तगड़ी ये वेब सीरीज़ बनाई गई है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इसे ज़रूर देखिए, ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी। जितने भी किरदार हैं इन सभी ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अपना काम इन्होंने बखूबी निभाया हुआ है। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की वेब सीरीज़ का निर्माण है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये भी आता है, अगर एक मूवी होती तो क्या सीरीज थी। तो दोस्तों आप इसे मूवी भी कह सकते हैं। अगर आप कुछ सीन को काट देंगे और मर्ज कर लेंगे तो लगभग इसका रन टाइम भी इतना ही हो ही जाएगा जो कि मूवी के काबिल है। तो अगर आप इसे नहीं देखे तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसे देखिए, ये आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसे YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूँगा। आप सभी लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और आप में से दोस्तों कोई लोग इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये सीरीज़ आपको कैसी लगी थी। हालांकि YouTube पर उपलब्ध नहीं है और ना ही होगी, क्योंकि MX प्लेयर जो है अपने प्लेटफॉर्म पर इसे ऑलरेडी फ्री में कर चुका है। तो यूट्यूब पर डालने का कोई फ़ायदा उनका है ही नहीं, इसलिए आप इसे एमिंग्स पर भी देख सकते हैं। और अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूँगा, बाकी आप इसे ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। और दूसरी बात यह है कि वेब सीरीज़ है तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसे फैमिली के साथ ना देखें। आपका हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज हम यहाँ पर आपको एक कमाल की जो है उस सीरीज़ के बारे में बताने वाले हैं, और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आ चुकी हो। मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ आपको कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, वो भी फ्री में। क्या इसकी कहानी है, इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर बात करें तो ये एक वैसे तो वेब सीरीज़ है, पर आप चाहें तो इसे मूवी भी कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसकी कास्टिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आपको एक कमाल की स्टार कास्टिंग देखने को मिलती है, और सभी कलाकारों ने यहाँ पर जो काम भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है। इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है मत्स्याकांड, 2021 में से रिलीज़ किया गया था। और इसके अंदर दोस्तों आपको जो है थ्रिल देखने को मिलता है, और इसका एक ही सीज़न आ चुका है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है। कहा जा रहा है कि इसका दूसरा सीज़न भी आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो रेटिंग तो काफ़ी बढ़िया जी, जो IMDb है वहाँ पर 10 में से 8.8 की रेटिंग मिली हुई है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इसे 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। चलिए बात करते हैं इसकी कास्टिंग के बारे में। और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंदर आपको वैसे लीड कास्ट में जोया अफरोज, रवि दुबे, मधुर मित्तल, पीयूष मिश्रा, राजेश शर्मा, नावेद असलम, प्रतीक सिंह सोलंकी, श्रीकांत वर्मा, राज शर्मा, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं। सवाल यहाँ पर ये आता है कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं हिंदी में तो कहाँ पर ये उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को हिंदी में वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो जो MX प्लेयर हैं वहाँ पर ये हिंदी में उपलब्ध है। आप लोग इसे MX प्लेयर पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ और वो भी हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएंगी। इसके डायरेक्टर अजय बिवान रहे थे, जो बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं, और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में और मूवीज़ बनाई हुई है, सॉरी वेब सीरीज़ बनाई हुई है। तो मत्स्य जो थड़ा है वो रवि दुबे लोगों को जान में फंसा कर उन्हें लूट कर चला जाता है। तो मत्स्य को पकड़ने के लिए SCP तेजराज सिंह को बुलाया जाता है। इसके बाद दोनों के बीच चूहे बिल्ली वाली रेस शुरू हो जाती है। अब दोनों के बीच क्या क्या होता है, इसके लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। ये सीरीज़ कांड पर बनी हुई है, मतलब कि स्कैम। इस शो के हर एपिसोड का एक खास टाइटल दिया गया है, जो कि किसी पौराणिक चरित्र से रिलेटेड है, स्पेशली महाभारत से। शिव सिंह का स्क्रीन प्ले आपका शो में पूरा इंटरेस्ट बनाए रखेगा। कई बार आपको पता ही नहीं लगेगा कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे सीन भी यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ आप भी जानने के लिए उत्सुक होगे कि अब आगे होगा तो होगा क्या। डायरेक्टर अजय बिवान ने मेरठ, दिल्ली और जयपुर जैसी जगहों पर काम कर किया है। इस सीरीज़ में एक चोर और एक पुलिस वाले के बीच चूहे बिल्ली की जो रेस है उसे अच्छे से यहाँ पर नरेट किया गया है। रवि दुबे ने अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ किया है। रवि हैं उन्होंने यहाँ पर इसमें कई किरदार थे जिसमें उन्होंने पहचानना मुश्किल था, हालांकि जो उनका पहला गेटअप था उसमें वो कबीर सिंह जैसे दिखते हैं। उन्होंने अपने हर किरदार को बखूबी निभाया हुआ है। रवि किशन ने तेजराज सिंह का किरदार बखूबी निभाया है। रवि किशन की एंट्री कहानी में अलग पिसलें आती है। बाकी किरदारों में आपको जैसे भी पीयूष मिश्रा, मधुर मित्तल और राजेश शर्मा ने जो अपना काम शानदार किया हुआ है। सोनाली दशरथ द्वारा प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी शानदार है, और सिनेमेटोग्राफर मनोज राठी ने भी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन काम दिया हुआ है। इन्होंने यहाँ पर दिल्ली, मेरठ, जयपुर और सांभर शहर को अच्छे से कैप्चर किया हुआ है। हालांकि एडिटिंग थोड़ी और मज़ेदार हो सकती थी, लेकिन इस पर शो पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। शो के लास्ट सीन से पता चल रहा है कि मत्स्यकांड के अगले सीजन में काफ़ी मज़ा आने वाला है, और ओवरऑल मत्स्यकांड काफ़ी मज़ेदार वेब सीरीज़ देखने को मिलेंगी, आपको ये कहानी से जोड़े रखेंगी। रवि दुबे और रवि किशन स्टारर इस शो का जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ था तब लोगों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। लोगों को स्टार्ट से ही ये जानना था कि आखिरकार इस सीरीज़ में जीत होगी दूर होगी किसकी, और कौन पकड़ा जाएगा और कौन दोस्तों जल जाएगा। तो आप सब लोग भी अगर इस सभी सवाल के जवाब ढूंढना चाहते हैं तो आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेंगी जो कि एमएक्स प्लेयर की ऑफिशियल ऐप पर और उनकी ऑफिशियल साइट पर आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगी। तो काफ़ी तगड़ी ये वेब सीरीज़ बनाई गई है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसे ज़रूर देखिए, ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी। जितने भी किरदार हैं इन सभी ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अपना काम इन्होंने बखूबी निभाया हुआ है। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की वेब सीरीज़ का निर्माण है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये भी आता है अगर एक मूवी होती तो क्या सीरीज थी। तो दोस्तों आप इसे मूवी भी कह सकते हैं। अगर आपको सीन को काट देंगे और मर्ज कर लेंगे तो लगभग इसका रन टाइम भी इतना ही हो ही जाएगा जो कि एक मूवी के काबिल है। तो अगर आप इसे नहीं देखे तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसे देखिए, ये आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसे यूट्यूब पे रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूंगा। आप सभी लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और आप में से दोस्तों कोई लोग इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये सीरीज़ आपको कैसी लगी थी। हालांकि यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है और ना ही होगी, क्योंकि एमएक्स प्लेयर जो है अपने प्लेटफॉर्म पर इसे ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है तो यूट्यूब पर डालने का कोई फ़ायदा उनका है ही नहीं, इसलिए आप इसे एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं। और अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूंगा। बाकी आप इसे ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। और दूसरी बात यह है कि वेब सीरीज़ है तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसे फैमिली के साथ ना देखें। आपका हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज हम यहाँ पर आपको एक कमाल की जो है उस सीरीज़ के बारे में बताने वाले हैं। और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आ चुकी हो। मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ आपको कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, वो भी फ्री में। क्या इसकी कहानी है, इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर बात करें तो ये एक वैसे तो वेब सीरीज़ है पर आप चाहें तो इसे मूवी भी कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी कास्टिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आपको एक कमाल की स्टार कास्टिंग देखने को मिलती है और सभी कलाकारों ने यहाँ पर जो काम भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है। इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है मत्स्याकांड। 2021 में से रिलीज़ किया गया था और इसके अंदर दोस्तों आपको जो है थ्रिल देखने को मिलता है। और इसका एक ही सीज़न आ चुका है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है। कहा जा रहा है कि इसका दूसरा सीज़न भी आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो रेटिंग थी वो काफ़ी बढ़िया थी। जो IMDb है वहाँ पर 10 में से 8.8 की रेटिंग मिली हुई है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इसे 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। चलिए बात करते हैं इसकी कास्टिंग के बारे में। और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंदर आपको वैसे लीड कास्ट में जोया अफरोज, रवि दुबे, मधुर मित्तल, पीयूष मिश्रा, राजेश शर्मा, नावेद असलम, प्रतीक सिंह सोलंकी, श्रीकांत वर्मा, राज शर्मा, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं। सवाल यहाँ पर ये आता है कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं हिंदी में तो कहाँ पर ये उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को हिंदी में वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो जो एमएक्स प्लेयर हैं वहाँ पर ये हिंदी में उपलब्ध है। आप लोग इसे एमएक्स प्लेयर पर जाकर देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ और वो भी हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएंगी। इसके डायरेक्टर अजय बिवान रहे थे जो बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में और मूवीज़ बनाई हुई है, सॉरी वेब सीरीज़ बनाई हुई है। तो मत्स्य जो थड़ा है वो रवि दुबे लोगों को जान में फंसाकर उन्हें लूट कर चला जाता है। तो मत्स्य को पकड़ने के लिए SCP तेजराज सिंह को बुलाया जाता है। इसके बाद दोनों के बीच चूहे बिल्ली वाली रेस शुरू हो जाती है। अब दोनों के बीच क्या क्या होता है इसके लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। ये सीरीज़ कांटे पर बनी हुई है, मतलब कि स्कैम। इस शो के हर एपिसोड का एक खास टाइटल दिया गया है जो कि किसी पौराणिक चरित्र से रिलेटेड है, स्पेशली महाभारत से। शिव सिंह का स्क्रीन प्ले आपका शो में पूरा इंटरेस्ट बनाए रखेगा। कई बार आपको पता ही नहीं लगेगा कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे सीन भी यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ आप भी जानने के लिए उत्सुक होगे कि अब आगे होगा तो होगा क्या। डायरेक्टर अजय उड़ान ने मेरठ, दिल्ली और जयपुर जैसी जगहों पर काम कर किया है। इस सीरीज़ में एक चोर और एक पुलिस वाले के बीच चूहे बिल्ली की जो रेस है उसे अच्छे से यहाँ पर नरेट किया गया है। रवि दुबे ने अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ किया है रवि हैं उन्होंने यहाँ पर इसमें कई किरदार थे जिसमें उन्होंने पहचानना मुश्किल था। हालांकि जो उनका पहला गेटअप था उसमें वो कबीर सिंह जैसे दिखते हैं। उन्होंने अपने हर किरदार को बखूबी निभाया हुआ है। रवि किशन ने तेजराज सिंह का किरदार बखूबी निभाया है। रवि किशन की एंट्री कहानी में अलग ट्विस्ट ले आती है। बाकी किरदारों में आपको जैसे भी पीयूष मिश्रा, मधुर मित्तल और राजेश शर्मा ने जो अपना काम शानदार किया हुआ है। सोनाली दशरथ द्वारा प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी शानदार है और सिनेमेटोग्राफर मनोज राठी ने भी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन काम दिया हुआ है। इन्होंने यहाँ पर दिल्ली, मेरठ, जयपुर और सांभर शहर को अच्छे से कैप्चर किया हुआ है। हालांकि एडिटिंग थोड़ी और मज़ेदार हो सकती थी, लेकिन इस पर शो पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। शो के लास्ट सीन से पता चल रहा है कि मत्स्य कांड के अगले सीजन में काफ़ी मज़ा आने वाला है और ओवरऑल मत्स्य कांड काफ़ी मज़ेदार वेब सीरीज़ देखने को मिलेंगी, आपको ये कहानी से जोड़े रखेंगी। रवि दुबे और रवि किशन स्टारर इस शो का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था तब लोगों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। लोगों को स्टार्ट से ही ये जानना था कि आखिरकार इस सीरीज़ में जीत होगी दूर होगी किसकी और कौन पकड़ा जाएगा और कौन दोस्तों जल जाएगा। तो आप सब लोग भी अगर इस सभी सवाल के जवाब ढूंढना चाहते हैं तो आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी, जो कि एमएक्स प्लेयर की ऑफिशियल ऐप पर और उनकी ऑफिशियल साइट पर आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगी। तो काफ़ी तगड़ी ये वेब सीरीज़ बनाई गई है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसे ज़रूर देखिए, ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी। जितने भी किरदार हैं इन सभी ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अपना काम इन्होंने बखूबी निभाया हुआ है। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की वेब सीरीज़ का निर्माण है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये भी आता है अगर एक मूवी होती तो क्या सीरीज थी। तो दोस्तों आप इसे मूवी भी कह सकते हैं। अगर आपको सीन को काट देंगे और मर्ज कर लेंगे तो लगभग इसका रन टाइम में इतना ही हो ही जाएगा जो कि एक मूवी के काबिल है। तो अगर आप इसे नहीं देखे तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसे देखिए, ये आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूंगा। आप सभी लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और आप में से दोस्तों कोई लोग इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये सीरीज़ आपको कैसी लगी थी। हालांकि यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है और ना ही होगी, क्योंकि एमएक्स प्लेयर जो है अपने प्लेटफॉर्म पर इसे ऑलरेडी पे में कर चुका है, तो यूट्यूब पर डालने का कोई फ़ायदा उनका है ही नहीं। इसलिए आप इसे एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं। और अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूंगा। बाकी आप इसे ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। और दूसरी बात यह है कि वेब सीरीज़ है तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसे फैमिली के साथ ना देखें। आपका हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज हम यहाँ पर आपको एक कमाल की जो है उस सीरीज़ के बारे में बताने वाले हैं। और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आ चुकी हो। मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ आपको कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, वो भी फ्री में। क्या इसकी कहानी है, इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर बात करें तो ये एक वैसे तो वेब सीरीज़ है पर आप चाहें तो इसे मूवी भी कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी कास्टिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आपको एक कमाल की स्टार कास्टिंग देखने को मिलती है और सभी कलाकारों ने यहाँ पर जो काम भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है। इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है मत्स्याकांड। 2021 में से रिलीज़ किया गया था और इसके अंदर दोस्तों आपको जो है थ्रिल देखने को मिलता है। और इसका एक ही सीज़न आ चुका है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है। कहा जा रहा है कि इसका दूसरा सीज़न भी आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो रेटिंग तो काफ़ी बढ़िया जी, जो IMDb है वहाँ पर 10 में से 8.8 की रेटिंग मिली हुई है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इसे 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। चलिए बात करते हैं इसकी कास्टिंग के बारे में। और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो कहां पर ये आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंदर आपको वैसे लीड कास्ट में जोया अफरोज, रवि दुबे, मधुर मित्तल, पीयूष मिश्रा, राजेश शर्मा, नावेद असलम, प्रतीक सिंह सोलंकी, श्रीकांत वर्मा, राज शर्मा, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं। सवाल यहाँ पर यह आता है कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं हिंदी में तो कहाँ पर ये उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को हिंदी में वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो जो एमएक्स प्लेयर हैं वहाँ पर ये हिंदी में उपलब्ध है। आप लोग इसे एमएक्स प्लेयर पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ और वो भी हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएंगी। इसके डायरेक्टर अजय बीवन रहे थे जो बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में और मूवीज़ बनाई हुई है, सॉरी वेब सीरीज़ बनाई हुई है। तो मत्स्य जो थड़ा है वो रवि दबे लोगों को जान में फंसा कर उन्हें लूट कर चला जाता है। तो मत्स्य को पकड़ने के लिए एसपी तेजराज सिंह को बुलाया जाता है। इसके बाद दोनों के बीच चूहे बिल्ली वाली रेस शुरू हो जाती है। अब दोनों के बीच क्या क्या होता है इसके लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। ये सीरीज़ कांड पर बनी हुई है, मतलब कि स्कैम। इस शो के हर एपिसोड का एक खास टाइटल दिया गया है जो कि किसी पौराणिक चरित्र से रिलेटेड है, स्पेशली महाभारत से। शिव सिंह का स्क्रीन प्ले आपका शो में पूरा इंटरेस्ट बनाए रखेगा। कई बार आपको पता ही नहीं लगेगा कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे सीन भी यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ आप भी जानने के लिए उत्सुक होगे कि अब आगे होगा तो होगा क्या। डायरेक्टर अजय बीवन ने मेरठ, दिल्ली और जयपुर जैसी जगहों पर काम कर किया है। इस सीरीज़ में एक चोर और एक पुलिस वाले के बीच चूहे बिल्ली की जो रेस है उसे अच्छे से यहाँ पर नरेट किया गया है। रवि दुबे ने अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ किया है। रवि हैं उन्होंने यहाँ पर इसमें कई किरदार थे जिसमें उन्होंने पहचानना मुश्किल था। हालांकि जो उनका पहला गेटअप था उसमें वो कबीर सिंह जैसे दिखते हैं। उन्होंने अपने हर किरदार को बखूबी निभाया हुआ है। रवि किशन ने तेजराज सिंह का किरदार बखूबी निभाया है। रवि किशन की एंट्री कहानी में अलग टिप्स आती है। बाकी किरदारों में आपको जैसे भी पीयूष मिश्रा, मतिन मित्तल और राजेश शर्मा ने जो अपना काम शानदार किया हुआ है। सोनाली दशरथ द्वारा प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी शानदार है और सिनेमेटोग्राफर मनोज राठी ने भी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन काम दिया हुआ है। इन्होंने यहाँ पर दिल्ली, मेरठ, जयपुर और सांभर शहर को अच्छे से कैप्चर किया हुआ है। हालांकि एडिटिंग थोड़ी और मज़ेदार हो सकती थी, लेकिन इस पर शो पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। शो के लास्ट सीन से पता चल रहा है कि मत्स्य कांड के अगले सीजन में काफ़ी मज़ा आने वाला है और ओवरऑल मत्स्य कांड काफ़ी मज़ेदार वेब सीरीज़ देखने को मिलेंगी, आपको ये कहानी से जोड़े रखेंगी। रवि दुबे और रवि किशन स्टारर इस शो का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था तब लोगों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। लोगों को स्टार्ट से ही ये जानना था कि आखिरकार इस सीरीज़ में जीत होगी दूर होगी किसकी और कौन पकड़ा जाएगा और कौन दोस्तों जल जाएगा। तो आप सब लोग भी अगर इस सभी सवाल के जवाब ढूंढना चाहते हैं तो आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेंगी जो कि एमएक्स प्लेयर की ऑफिशियल ऐप पर और उनकी ऑफिशियल साइट पर आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगी। तो काफ़ी तगड़ी ये वेब सीरीज़ बनाई गई है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इसे ज़रूर देखिए, ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी। जितने भी किरदार हैं इन सभी ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अपना काम इन्होंने बखूबी निभाया हुआ है। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की वेब सीरीज़ का निर्माण है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये भी आता है अगर एक मूवी होती तो क्या सीरीज थी। तो दोस्तों आप इसे मूवी भी कह सकते हैं। अगर आप कुछ सीन को काट देंगे और मर्ज कर लेंगे तो लगभग इसका रन टाइम भी इतना ही हो ही जाएगा जो कि एक मूवी के काबिल है। तो अगर आप इसे नहीं देखे तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसे देखिए, ये आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूँगा। आप सभी लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और आप में से दोस्तों कोई लोग इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये सीरीज़ आपको कैसी लगी थी। हालांकि यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है और ना ही होगी क्योंकि एमएक्स प्लेयर जो है अपने प्लेटफॉर्म पर इसे ऑलरेडी प्रीमियम कर चुका है, तो यूट्यूब पर डालने का कोई फ़ायदा उनका है ही नहीं, इसलिए आप इसे एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं। और अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूँगा। बाकी आप इसे ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। और दूसरी बात यह है कि वेब सीरीज़ है तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसे फैमिली के साथ ना देखें। आपका हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज हम यहाँ पर आपको एक कमाल की जो है उस सीरीज़ के बारे में बताने वाले हैं और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आ चुकी हो। मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ आपको कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, वो भी फ्री में। क्या इसकी कहानी है, इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर बात करें तो ये एक वैसे तो वेब सीरीज़ है पर आप चाहें तो इसे मूवी भी कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी कास्टिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आपको एक कमाल की स्टार कास्टिंग देखने को मिलती है और सभी कलाकारों ने यहाँ पर जो काम भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है। इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है मत्स्यकांड। 2021 में से रिलीज़ किया गया था और इसके अंदर दोस्तों आपको जो है थ्रिल देखने को मिलता है। और इसका एक ही सीज़न आ चुका है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है, कहा जा रहा है कि इसका दूसरा सीज़न भी आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो रेटिंग थी वो काफ़ी बढ़िया थी, जो IMDb है वहाँ पर 10 में से 8.8 की रेटिंग मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इसे 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। चलिए बात करते हैं इसकी कास्टिंग के बारे में, और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंदर आपको वैसे लीड कास्ट में जोया अफरोज, रवि दुबे, मधुर मित्तल, पीयूष मिश्रा, राजेश शर्मा, नावेद असलम, प्रतीक सिंह सोलंकी, श्रीकांत वर्मा, राज शर्मा, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं। सवाल यहाँ पर ये आता है कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं हिंदी में तो कहाँ पर ये उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को हिंदी में वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो जो MX प्लेयर हैं वहाँ पर ये हिंदी में उपलब्ध है। आप लोग इसे MX प्लेयर पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ और वो भी हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएंगी। इसके डायरेक्टर अजय भिवान रहे थे, जो बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में और मूवीज़ बनाई हुई है, सॉरी वेब सीरीज़ बनाई हुई है। तो मत्स्य जो थड़ा है वो रवि दुबे लोगों को जाल में फंसाकर उन्हें लूट कर चला जाता है। तो मत्स्य को पकड़ने के लिए SCP तेजराज सिंह को बुलाया जाता है। इसके बाद दोनों के बीच चूहे बिल्ली वाली रेस शुरू हो जाती है। अब दोनों के बीच क्या क्या होता है इसके लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। ये सीरीज़ कांटे पर बनी हुई है, मतलब कि स्कैम। इस शो के हर एपिसोड का एक खास टाइटल दिया गया है जो कि किसी पौराणिक चरित्र से रिलेटेड है, स्पेशली महाभारत से। शिव सिंह का स्क्रीन प्ले आपका शो में पूरा इंटरेस्ट बनाए रखेगा। कई बार आपको पता ही नहीं लगेगा कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे सीन भी यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ आप भी जानने के लिए उत्सुक होगे कि अब आगे होगा तो होगा क्या। डायरेक्टर अजय उड़ान ने मेरठ, दिल्ली और जयपुर जैसी जगहों पर काम कर किया है। इस सीरीज़ में एक चोर और एक पुलिस वाले के बीच चूहे बिल्ली की जो रेस है उसे अच्छे से यहाँ पर नरेट किया गया है। रवि दुबे ने अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ किया है। रवि हैं उन्होंने यहाँ पर इसमें कई किरदार थे जिसमें उन्होंने पहचानना मुश्किल था, हालांकि जो उनका पहला गेटअप था उसमें वो कबीर सिंह जैसे दिखते हैं। उन्होंने अपने हर किरदार को बखूबी निभाया हुआ है। रवि किशन ने तेजराज सिंह का किरदार बखूबी निभाया है। रवि किशन की एंट्री कहानी में अलग ट्विस्ट ले आती है। बाकी किरदारों में आपको जैसे भी पीयूष मिश्रा, मधुर मित्तल और राजेश शर्मा ने जो अपना काम शानदार किया हुआ है। सोनाली दशरथ द्वारा प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी शानदार है और सिनेमेटोग्राफर मनोज राठी ने भी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन काम दिया हुआ है। इन्होंने यहाँ पर दिल्ली, मेरठ, जयपुर और सांभर शहर को अच्छे से कैप्चर किया हुआ है। हालांकि एडिटिंग थोड़ी और मज़ेदार हो सकती थी, लेकिन इस पर शो पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। शो के लास्ट सीन से पता चल रहा है कि मत्स्य कांड के अगले सीजन में काफ़ी मज़ा आने वाला है और ओवरऑल मत्स्य कांड काफ़ी मज़ेदार वेब सीरीज़ देखने को मिलेंगी, आपको ये कहानी से जोड़े रखेंगी। रवि दुबे और रवि किशन स्टारर इस शो का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था तब लोगों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। लोगों को स्टार्ट से ही ये जानना था कि आखिरकार इस सीरीज़ में जीत होगी दूध होगी किसकी, और कौन पकड़ा जाएगा और कौन दोस्तों जल जाएगा। तो आप सब लोग भी अगर इस सभी सवाल के जवाब ढूंढना चाहते हैं तो आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी, जो कि MX प्लेयर की ऑफिशियल ऐप पर और उनकी ऑफिशियल साइट पर आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगी। तो काफ़ी तगड़ी ये वेब सीरीज़ बनाई गई है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इसे ज़रूर देखिए, ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी। जितने भी किरदार हैं इन सभी ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अपना काम इन्होंने बखूबी निभाया हुआ है। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की वेब सीरीज़ का निर्माण है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये भी आता है, अगर एक मूवी होती तो क्या सीरीज थी। तो दोस्तों आप इसे मूवी भी कह सकते हैं। अगर आप कुछ सीन को काट देंगे और मर्ज कर लेंगे तो लगभग इसका रन टाइम में इतना ही हो ही जाएगा जो कि एक मूवी के काबिल है। तो अगर आप इसे नहीं देखे तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसे देखिए, ये आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसे YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूँगा। आप सभी लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और आप में से दोस्तों कोई लोग इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये सीरीज़ आपको कैसी लगी थी। हालांकि यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है और ना ही होगी, क्योंकि एमएक्स प्लेयर जो है अपने प्लेटफॉर्म पर इसे ऑलरेडी पे में कर चुका है, तो यूट्यूब पर डालने का कोई फ़ायदा उनका है ही नहीं। इसलिए आप इसे एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं, और अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूँगा। बाकी आप इसे ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। और दूसरी बात यह है कि वेब सीरीज़ है तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसे फैमिली के साथ ना देखें। आपका हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज हम यहाँ पर आपको एक कमाल की जो है उस सीरीज़ के बारे में बताने वाले हैं, और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आ चुकी हो। मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ आपको कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, वो भी फ्री में। क्या इसकी कहानी है, इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर बात करें तो ये एक वैसे तो वेब सीरीज़ है, पर आप चाहें तो इसे मूवी भी कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसकी कास्टिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आपको एक कमाल की स्टार कास्टिंग देखने को मिलती है, और सभी कलाकारों ने यहाँ पर जो काम भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है। इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है मत्स्याकांड। 2021 में इसे रिलीज़ किया गया था, और इसके अंदर दोस्तों आपको जो है थ्रिल देखने को मिलता है, और इसका एक ही सीज़न आ चुका है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है। कहा जा रहा है कि इसका दूसरा सीज़न भी आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो रेटिंग तो काफ़ी बढ़िया जी, जो IMDb है वहाँ पर 10 में से 8.8 की रेटिंग मिली हुई है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इसे 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। चलिए बात करते हैं इसकी कास्टिंग के बारे में, और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंदर आपको वैसे लीड कास्ट में जोया अफरोज, रवि दुबे, मधुर मित्तल, पीयूष मिश्रा, राजेश शर्मा, नावेद असलम, प्रतीक सिंह सोलंकी, श्रीकांत वर्मा, राज शर्मा, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं। सवाल यहाँ पर ये आता है कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं हिंदी में तो कहाँ पर ये उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को हिंदी में वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो जो एमएक्स प्लेयर हैं वहाँ पर ये हिंदी में उपलब्ध है। आप लोग इसे एमएक्स प्लेयर पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ और वो भी हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएंगी। इसके डायरेक्टर अजय बिवान रहे थे, जो बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं, और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में और मूवीज़ बनाई हुई है, सॉरी वेब सीरीज़ बनाई हुई है। तो मत्स्य जो थड़ा है वो रवि दुबे लोगों को जान में फंसा कर उन्हें लूट कर चला जाता है। तो मत्स्य को पकड़ने के लिए SCP तेजराज सिंह को बुलाया जाता है। इसके बाद दोनों के बीच चूहे बिल्ली वाली रेस शुरू हो जाती है। अब दोनों के बीच क्या क्या होता है, इसके लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। ये सीरीज़ कांड पर बनी हुई है, मतलब कि स्कैम। इस शो के हर एपिसोड का एक खास टाइटल दिया गया है, जो कि किसी पौराणिक चरित्र से रिलेटेड है, स्पेशली महाभारत से। शिव सिंह का स्क्रीन प्ले आपका शो में पूरा इंटरेस्ट बनाए रखेगा। कई बार आपको पता ही नहीं लगेगा कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे सीन भी यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ आप भी जानने के लिए उत्सुक होगे कि अब आगे होगा तो होगा क्या। डायरेक्टर अजय बिवान ने मेरठ, दिल्ली और जयपुर जैसी जगहों पर काम कर किया है। इस सीरीज़ में एक चोर और एक पुलिस वाले के बीच चूहे बिल्ली की जो रेस है उसे अच्छे से यहाँ पर नरेट किया गया है। रवि दुबे ने अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ किया है। रवि हैं उन्होंने यहाँ पर इसमें कई किरदार थे जिसमें उन्होंने पहचानना मुश्किल था। हालांकि जो उनका पहला गेटअप था उसमें वो कबीर सिंह जैसे दिखते हैं, और उन्होंने अपने हर किरदार को बखूबी निभाया हुआ है। रवि किशन ने तेजराज सिंह का किरदार बखूबी निभाया है। रवि किशन की एंट्री कहानी में अलग पिसलें आती है। बाकी किरदारों में आपको जैसे भी पीयूष मिश्रा, मधुर मित्तल और राजेश शर्मा ने जो अपना काम शानदार किया हुआ है। सोनाली दशरथ द्वारा प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी शानदार है, और सिनेमेटोग्राफर मनोज राठी ने भी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन काम दिया हुआ है। इन्होंने यहाँ पर दिल्ली, मेरठ, जयपुर और सांभर शहर को अच्छे से कैप्चर किया हुआ है। हालांकि एडिटिंग थोड़ी और मज़ेदार हो सकती थी, लेकिन इस पर शो पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। शो के लास्ट सीन से पता चल रहा है कि मत्स्य कांड के अगले सीजन में काफ़ी मज़ा आने वाला है, और ओवरऑल मत्स्य कांड काफ़ी मज़ेदार वेब सीरीज़ देखने को मिलेंगी, आपको ये कहानी से जोड़े रखेंगी। रवि दुबे और रवि किशन स्टारर इस शो का जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ था तब लोगों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। लोगों को स्टार्ट से ही ये जानना था कि आखिर बार इस सीरीज़ में जीत होगी दूर होगी किसकी और कौन पकड़ा जाएगा और कौन दोस्तों जल जाएगा। तो आप सब लोग भी अगर इस सभी सवाल के जवाब ढूंढना चाहते हैं तो आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेंगी जो कि MX प्लेयर की ऑफिशियल ऐप पर और उनकी ऑफिशियल साइट पर आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगी। तो काफ़ी तगड़ी ये वेब सीरीज़ बनाई गई है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसे ज़रूर देखिए, ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी। जितने भी किरदार हैं इन सभी ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अपना काम इन्होंने बखूबी निभाया हुआ है। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की वेब सीरीज़ का निर्माण है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये भी आता है अगर एक मूवी होती तो क्या सीरीज थी। तो दोस्तों आप इसे मूवी भी कह सकते हैं। अगर आप कुछ सीन को काट देंगे और मर्ज कर लेंगे तो लगभग इसका रन टाइम भी इतना ही हो ही जाएगा जो कि एक मूवी के काबिल है। तो अगर आप इसे नहीं देखे तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसे देखिए, ये आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसे YouTube पे रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूंगा। आप सभी लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और आप में से दोस्तों कोई लोग इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये सीरीज़ आपको कैसी लगी थी। हालांकि YouTube पर उपलब्ध नहीं है और ना ही होगी क्योंकि MX प्लेयर जो है अपने प्लेटफॉर्म पर इसे ऑलरेडी पे कर चुका है तो यूट्यूब पर डालने का कोई फ़ायदा उनका है ही नहीं, इसलिए आप इसे MX प्लेयर पर देख सकते हैं। और अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूंगा। बाकी आप इसे ज़रूर दीजिए, आपको अच्छी लगेंगी। और दूसरी बात यह है कि वेब सीरीज़ है तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसे फैमिली के साथ ना देखें। आपका हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज हम यहाँ पर आपको एक कमाल की जो है उस सीरीज़ के बारे में बताने वाले हैं। और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आ चुकी हो। मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ आपको कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, वो भी फ्री में। क्या इसकी कहानी है, इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर बात करें तो ये एक वैसे तो वेब सीरीज़ है पर आप चाहें तो इसे मूवी भी कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी कास्टिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आपको एक कमाल की स्टार कास्टिंग देखने को मिलती है और सभी कलाकारों ने यहाँ पर जो काम भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है। इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है मत्स्याकांड। 2021 में से रिलीज़ किया गया था और इसके अंदर दोस्तों आपको जो है थ्रिल देखने को मिलता है। और इसका एक ही सीज़न आ चुका है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है। कहा जा रहा है कि इसका दूसरा सीज़न भी आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो रेटिंग थी वो काफ़ी बढ़िया थी। जो IMDb है वहाँ पर 10 में से 8.8 की रेटिंग मिली हुई है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इसे 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। चलिए बात करते हैं इसकी कास्टिंग के बारे में। और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंदर आपको वैसे लीड कास्ट में जोया अफरोज, रवि दुबे, मधुर मित्तल, पीयूष मिश्रा, राजेश शर्मा, नावेद असलम, प्रतीक सिंह सोलंकी, श्रीकांत वर्मा, राज शर्मा, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं। सवाल यहाँ पर ये आता है कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं हिंदी में तो कहाँ पर ये उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को हिंदी में वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो जो MX प्लेयर हैं वहाँ पर ये हिंदी में उपलब्ध है। आप लोग इसे MX प्लेयर पर जाकर देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ और वो भी हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएंगी। इसके डायरेक्टर अजय बिवान रहे थे जो बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में और मूवीज़ बनाई हुई है, सॉरी वेब सीरीज़ बनाई हुई है। तो मत्स्य जो थड़ा है वो रवि दुबे लोगों को जान में फंसाकर उन्हें लूट कर चला जाता है। तो मत्स्य को पकड़ने के लिए SCP तेजराज सिंह को बुलाया जाता है। इसके बाद दोनों के बीच चूहे बिल्ली वाली रेस शुरू हो जाती है। अब दोनों के बीच क्या क्या होता है इसके लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। ये सीरीज़ कांटे पर बनी हुई है, मतलब कि स्कैम। इस शो के हर एपिसोड का एक खास टाइटल दिया गया है जो कि किसी पौराणिक चरित्र से रिलेटेड है, स्पेशली महाभारत से। शिव सिंह का स्क्रीन प्ले आपका शो में पूरा इंटरेस्ट बनाए रखेगा। कई बार आपको पता ही नहीं लगेगा कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे सीन भी यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ आप भी जानने के लिए उत्सुक होगे कि अब आगे होगा तो होगा क्या। डायरेक्टर अजय उड़ान ने मेरठ, दिल्ली और जयपुर जैसी जगहों पर काम कर किया है। इस सीरीज़ में एक चोर और एक पुलिस वाले के बीच चूहे बिल्ली की जो रेस है उसे अच्छे से यहाँ पर नरेट किया गया है। रवि दुबे ने अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ किया है। रवि हैं उन्होंने यहाँ पर इसमें कई किरदार थे जिसमें उन्होंने पहचानना मुश्किल था। हालांकि जो उनका पहला गेटअप था उसमें वो कबीर सिंह जैसे दिखते हैं। उन्होंने अपने हर किरदार को बखूबी निभाया हुआ है। रवि किशन ने तेजराज सिंह का किरदार बखूबी निभाया है। रवि किशन की एंट्री कहानी में अलग ट्विस्ट ले आती है। बाकी किरदारों में आपको जैसे भी पीयूष मिश्रा, मथुर मित्तल और राजेश शर्मा ने जो अपना काम शानदार किया हुआ है। सोनाली दशरथ द्वारा प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी शानदार है और सिनेमेटोग्राफर मनोज राठी ने भी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन काम दिया हुआ है। इन्होंने यहाँ पर दिल्ली, मेरठ, जयपुर और सांभर शहर को अच्छे से कैप्चर किया हुआ है। हालांकि एडिटिंग थोड़ी और मज़ेदार हो सकती थी, लेकिन इस पर शो पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। शो के लास्ट सीन से पता चल रहा है कि मत्स्य कांड के अगले सीजन में काफ़ी मज़ा आने वाला है और ओवरऑल मत्स्य कांड काफ़ी मज़ेदार वेब सीरीज़ देखने को मिलेंगी, आपको ये कहानी से जोड़े रखेंगी। रवि दुबे और रवि किशन स्टारर इस शो का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था तब लोगों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। लोगों को स्टार्ट से ही ये जानना था कि आखिरकार इस सीरीज़ में जीत होगी दूर होगी किसकी और कौन पकड़ा जाएगा और कौन दोस्तों जल जाएगा। तो आप सब लोग भी अगर इस सभी सवाल के जवाब ढूंढना चाहते हैं तो आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी, जो कि एमएक्स प्लेयर की ऑफिशियल ऐप पर और उनकी ऑफिशियल साइट पर आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगी। तो काफ़ी तगड़ी ये वेब सीरीज़ बनाई गई है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसे ज़रूर देखिए, ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी। जितने भी किरदार हैं इन सभी ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अपना काम इन्होंने बखूबी निभाया हुआ है। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की वेब सीरीज़ का निर्माण है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये भी आता है, अगर एक मूवी होती तो क्या सीरीज थी। तो दोस्तों आप इसे मूवी भी कह सकते हैं। अगर आप कुछ सीन को काट देंगे और मर्ज कर लेंगे तो लगभग इसका रन टाइम में इतना ही हो ही जाएगा जो कि एक मूवी के काबिल है। तो अगर आप इसे नहीं देखे तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसे देखिए, ये आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूंगा। आप सभी लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और आप में से दोस्तों कोई लोग इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये सीरीज़ आपको कैसी लगी थी। हालांकि यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है और ना ही होगी, क्योंकि एमएक्स प्लेयर जो है अपने प्लेटफॉर्म पर इसे ऑलरेडी पे में कर चुका है, तो यूट्यूब पर डालने का कोई फ़ायदा उनका है ही नहीं। इसलिए आप इसे एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं। और अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूंगा। बाकी आप इसे ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। और दूसरी बात यह है कि वेब सीरीज़ है तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसे फैमिली के साथ ना देखें। आपका हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज हम यहाँ पर आपको एक कमाल की जो है उस सीरीज़ के बारे में बताने वाले हैं। और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आ चुकी हो। मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ आपको कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, वो भी फ्री में। क्या इसकी कहानी है, इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर बात करें तो ये एक वैसे तो वेब सीरीज़ है पर आप चाहें तो इसे मूवी भी कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी कास्टिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आपको एक कमाल की स्टार कास्टिंग देखने को मिलती है और सभी कलाकारों ने यहाँ पर जो काम भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है। इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है मत्स्याकांड। 2021 में से रिलीज़ किया गया था और इसके अंदर दोस्तों आपको जो है थ्रिल देखने को मिलता है। और इसका एक ही सीज़न आ चुका है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है। कहा जा रहा है कि इसका दूसरा सीज़न भी आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो रेटिंग तो काफ़ी बढ़िया जी, जो IMDb है वहाँ पर 10 में से 8.8 की रेटिंग मिली हुई है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इसे 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। चलिए बात करते हैं इसकी कास्टिंग के बारे में। और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो कहां पर ये आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंदर आपको वैसे लीड कास्ट में जोया अफरोज, रवि दुबे, मधुर मित्तल, पीयूष मिश्रा, राजेश शर्मा, नावेद असलम, प्रतीक सिंह सोलंकी, श्रीकांत वर्मा, राज शर्मा, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं। सवाल यहाँ पर यह आता है कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं हिंदी में तो कहाँ पर ये उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को हिंदी में वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो जो एमएक्स प्लेयर हैं वहाँ पर ये हिंदी में उपलब्ध है। आप लोग इसे एमएक्स प्लेयर पर जाकर देख सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ, और वो भी हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएंगी। इसके डायरेक्टर अजय भिवान रहे थे जो बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं, और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में और मूवीज़ बनाई हुई है, सॉरी वेब सीरीज़ बनाई हुई है। तो मत्स्य जो थड़ा है वो रवि दबे लोगों को जान में फंसा कर उन्हें लूट कर चला जाता है। तो मत्स्य को पकड़ने के लिए एसीपी तेजराज सिंह को बुलाया जाता है। इसके बाद दोनों के बीच चूहे बिल्ली वाली रेस शुरू हो जाती है। अब दोनों के बीच क्या क्या होता है इसके लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। ये सीरीज़ कांटे पर भरी हुई है, मतलब कि स्कैम। इस शो के हर एपिसोड का एक खास टाइटल दिया गया है जो कि किसी पौराणिक चरित्र से रिलेटेड है, स्पेशली महाभारत से। शिव सिंह का स्क्रीन प्ले आपका शो में पूरा इंटरेस्ट बनाए रखेगा। कई बार आपको पता ही नहीं लगेगा कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे सीन भी यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ आप भी जानने के लिए उत्सुक होगे कि अब आगे होगा तो होगा क्या। डायरेक्टर अजय भिवान ने मेरठ, दिल्ली और जयपुर जैसी जगहों पर काम कर किया है। इस सीरीज़ में एक चोर और एक पुलिस वाले के बीच चूहे बिल्ली की जो रेस है उसे अच्छे से यहाँ पर नरेट किया गया है। रवि दुबे ने अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ किया है। रवि हैं उन्होंने यहाँ पर इसमें कई किरदार थे जिसमें उन्होंने पहचानना मुश्किल था, हालांकि जो उनका पहला गेटअप था उसमें वो कबीर सिंह जैसे दिखते हैं। उन्होंने अपने हर किरदार को बखूबी निभाया हुआ है। रवि किशन ने तेजराज सिंह का किरदार बखूबी निभाया है। रवि किशन की एंट्री कहानी में अलग पिसलें आती है। बाकी किरदारों में आपको जैसे भी पीयूष मिश्रा, मतिन मित्तल और राजेश शर्मा ने जो अपना काम शानदार किया हुआ है। सोनाली दशरथ द्वारा प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी शानदार है और सिनेमाटोग्राफर मनोज राठी ने भी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन काम दिया हुआ है। इन्होंने यहाँ पर दिल्ली, मेरठ, जयपुर और सांभर शहर को अच्छे से कैप्चर किया हुआ है। हालांकि एडिटिंग थोड़ी और मज़ेदार हो सकती थी, लेकिन इस पर शो पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। शो के लास्ट सीन से पता चल रहा है कि मत्स्य कांड के अगले सीजन में काफ़ी मज़ा आने वाला है, और ओवरऑल मत्स्य कांड काफ़ी मज़ेदार वेब सीरीज़ देखने को मिलेंगी, आपको ये कहानी से जोड़े रखेंगी। रवि दुबे और रवि किशन स्टारर इस शो का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था तब लोगों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। लोगों को स्टार्ट से ही ये जानना था कि आखिरकार इस सीरीज़ में जीत होगी दूर होगी किसकी, और कौन पकड़ा जाएगा और कौन दोस्तों जल जाएगा। तो आप सब लोग भी अगर इस सभी सवाल के जवाब ढूंढना चाहते हैं तो आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेंगी, जो कि एमएक्स प्लेयर की ऑफिशियल ऐप पर और उनकी ऑफिशियल साइट पर आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगी। तो काफ़ी तगड़ी ये वेब सीरीज़ बनाई गई है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इसे ज़रूर देखिए, ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी। जितने भी किरदार हैं इन सभी ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अपना काम इन्होंने बखूबी निभाया हुआ है। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की वेब सीरीज़ का निर्माण है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये भी आता है अगर एक मूवी होती तो क्या सीरीज थी। तो दोस्तों आप इसे मूवी भी कह सकते हैं। अगर आप कुछ सीन को काट देंगे और मर्ज कर लेंगे तो लगभग इसका रन टाइम भी इतना ही हो ही जाएगा जो कि एक मूवी के काबिल है। तो अगर आप इसे नहीं देखे तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसे देखिए, ये आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूँगा। आप सभी लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, और आप में से दोस्तों कोई लोग इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये सीरीज़ आपको कैसी लगी थी। हालांकि यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है और ना ही होगी, क्योंकि एमएक्स प्लेयर जो है अपने प्लेटफॉर्म पर इसे ऑलरेडी प्रीमियम कर चुका है, तो यूट्यूब पर डालने का कोई फ़ायदा उनका है ही नहीं, इसलिए आप इसे एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं। और अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूँगा। बाकी आप इसे ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। और दूसरी बात यह है कि वेब सीरीज़ है तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसे फैमिली के साथ ना देखें। आपका हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज हम यहाँ पर आपको एक कमाल की जो है उस सीरीज़ के बारे में बताने वाले हैं, और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आ चुकी हो। मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ आपको कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, वो भी फ्री में। क्या इसकी कहानी है, इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर बात करें तो ये एक वैसे तो वेब सीरीज़ है, पर आप चाहें तो इसे मूवी भी कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी कास्टिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आपको एक कमाल की स्टार कास्टिंग देखने को मिलती है। और सभी कलाकारों ने यहाँ पर जो काम भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है। इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है मत्स्याकांड। 2021 में से रिलीज़ किया गया था और इसके अंदर दोस्तों आपको जो है थ्रिल देखने को मिलता है और इसका एक ही सीज़न आ चुका है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है। कहा जा रहा है कि इसका दूसरा सीज़न भी आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो रेटिंग थी वो काफ़ी बढ़िया थी। जो IMDb है वहाँ पर 10 में से 8.8 की रेटिंग मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इसे 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। चलिए बात करते हैं इसकी कास्टिंग के बारे में, और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंदर आपको वैसे लीड कास्ट में जोया अफरोज, रवि दुबे, मधुर मित्तल, पीयूष मिश्रा, राजेश शर्मा, नावेद असलम, प्रतीक सिंह सोलंकी, श्रीकांत वर्मा, राज शर्मा, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं। सवाल यहाँ पर ये आता है कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं हिंदी में तो कहाँ पर ये उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को हिंदी में वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो जो MX प्लेयर हैं वहाँ पर ये हिंदी में उपलब्ध है। आप लोग इसे MX प्लेयर पर जाकर देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ और वो भी हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएंगी। इसके डायरेक्टर अजय बीवान रहे थे जो बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में और मूवीज़ बनाई हुई है, सॉरी वेब सीरीज़ बनाई हुई है। तो मत्स्य जो थड़ा है वो रवि दुबे लोगों को जान में फंसाकर उन्हें लूट कर चला जाता है। तो मत्स्य को पकड़ने के लिए SCP तेजराज सिंह को बुलाया जाता है। इसके बाद दोनों के बीच चूहे बिल्ली वाली रेस शुरू हो जाती है। अब दोनों के बीच क्या क्या होता है इसके लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। ये सीरीज़ कांटे पर बनी हुई है, मतलब कि स्कैम। इस शो के हर एपिसोड का एक खास टाइटल दिया गया है जो कि किसी पौराणिक चरित्र से रिलेटेड है, स्पेशली महाभारत से। शिव सिंह का स्क्रीन प्ले आपका शो में पूरा इंटरेस्ट बनाए रखेगा। कई बार आपको पता ही नहीं लगेगा कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे सीन भी यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ आप भी जानने के लिए उत्सुक होगे कि अब आगे होगा तो होगा क्या। डायरेक्टर अजय उड़ान ने मेरठ, दिल्ली और जयपुर जैसी जगहों पर काम कर किया है। इस सीरीज़ में एक चोर और एक पुलिस वाले के बीच चूहे बिल्ली की जो रेस है उसे अच्छे से यहाँ पर नरेट किया गया है। रवि दुबे ने अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ किया है। रवि हैं उन्होंने यहाँ पर इसमें कई किरदार थे जिसमें उन्होंने पहचानना मुश्किल था। हालांकि जो उनका पहला गेटअप था उसमें वो कबीर सिंह जैसे दिखते हैं। उन्होंने अपने हर किरदार को बखूबी निभाया हुआ है। रवि किशन ने तेजराज सिंह का किरदार बखूबी निभाया है। रवि किशन की एंट्री कहानी में अलग ट्विस्ट ले आती है। बाकी किरदारों में आपको जैसे भी पीयूष मिश्रा, मधुर मित्तल और राजेश शर्मा ने जो अपना काम शानदार किया हुआ है। सोनाली दशरथ द्वारा प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी शानदार है और सिनेमेटोग्राफर मनोज राठी ने भी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन काम दिया हुआ है। इन्होंने यहाँ पर दिल्ली, मेरठ, जयपुर और सांभर शहर को अच्छे से कैप्चर किया हुआ है। हालांकि एडिटिंग थोड़ी और मज़ेदार हो सकती थी, लेकिन इस पर शो पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। शो के लास्ट सीन से पता चल रहा है कि मत्स्यकांड के अगले सीजन में काफ़ी मज़ा आने वाला है और ओवरऑल मत्स्यकांड काफ़ी मज़ेदार वेब सीरीज़ देखने को मिलेंगी, आपको ये कहानी से जोड़े रखेंगी। रवि दुबे और रवि किशन स्टारर इस शो का जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ था तब लोगों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। लोगों को स्टार्ट से ही ये जानना था कि आखिरकार इस सीरीज़ में जीत होगी दूर होगी किसकी और कौन पकड़ा जाएगा और कौन दोस्तों जल जाएगा। तो आप सब लोग भी अगर इस सभी सवाल के जवाब ढूंढना चाहते हैं तो आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी जो कि MX प्लेयर की ऑफिशियल ऐप पर और उनकी ऑफिशियल साइट पर आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगी। तो काफ़ी तगड़ी ये वेब सीरीज़ बनाई गई है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इसे ज़रूर देखिए, ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी। जितने भी किरदार हैं इन सभी ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अपना काम इन्होंने बखूबी निभाया हुआ है। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की वेब सीरीज़ का निर्माण है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये भी आता है अगर एक मूवी होती तो क्या सीरीज थी। तो दोस्तों आप इसे मूवी भी कह सकते हैं। अगर आप कुछ सीन को काट देंगे और मर्ज कर लेंगे तो लगभग इसका रन टाइम में इतना ही हो ही जाएगा जो कि मूवी के काबिल है। तो अगर आप इसे नहीं देखे तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग इसे देखिए, ये आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसे YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूँगा। आप सभी लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और आप में से दोस्तों कोई लोग इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये सीरीज़ आपको कैसी लगी थी। हालांकि यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है और ना ही होगी, क्योंकि एमएक्स प्लेयर जो है अपने प्लेटफॉर्म पर इसे ऑलरेडी पे में कर चुका है, तो यूट्यूब पर डालने का कोई फ़ायदा उनका है ही नहीं, इसलिए आप इसे एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं। और अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूँगा। बाकी आप इसे ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। और दूसरी बात यह है कि वेब सीरीज़ है तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसे फैमिली के साथ ना देखें। आपका हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज हम यहाँ पर आपको एक कमाल की जो है उस सीरीज़ के बारे में बताने वाले हैं। और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आ चुकी हो। मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ आपको कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, वो भी फ्री में। क्या इसकी कहानी है, इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर बात करें तो ये एक वैसे तो वेब सीरीज़ है, पर आप चाहें तो इसे मूवी भी कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी कास्टिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आपको एक कमाल की स्टार कास्टिंग देखने को मिलती है और सभी कलाकारों ने यहाँ पर जो काम भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है। इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है मत्स्याकांड। 2021 में इसे रिलीज़ किया गया था और इसके अंदर दोस्तों आपको जो है थ्रिल देखने को मिलता है। और इसका एक ही सीज़न आ चुका है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है। कहा जा रहा है कि इसका दूसरा सीज़न भी आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो रेटिंग तो काफ़ी बढ़िया जी, जो IMDb है वहाँ पर 10 में से 8.8 की रेटिंग मिली हुई है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इसे 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। चलिए बात करते हैं इसकी कास्टिंग के बारे में। और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंदर आपको वैसे लीड कास्टिंग में जोया अफरोज, रवि दुबे, मधुर मित्तल, पीयूष मिश्रा, राजेश शर्मा, नावेद असलम, प्रतीक सिंह सोलंकी, श्रीकांत वर्मा, राज शर्मा, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं। सवाल यहाँ पर ये आता है कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं हिंदी में तो कहाँ पर ये उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को हिंदी में वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो जो एमएक्स प्लेयर हैं वहाँ पर ये हिंदी में उपलब्ध है। आप लोग इसे एमएक्स प्लेयर पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ और वो भी हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएंगी। इसके डायरेक्टर अजय बिवान रहे थे, जो बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं। और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में और मूवीज़ बनाई हुई है, सॉरी वेब सीरीज़ बनाई हुई है। तो मत्स्य जो थड़ा है वो रवि दुबे लोगों को जान में फंसा कर उन्हें लूट कर चला जाता है। तो मत्स्य को पकड़ने के लिए SCP तेजराज सिंह को बुलाया जाता है। इसके बाद दोनों के बीच चूहे बिल्ली वाली रेस शुरू हो जाती है। अब दोनों के बीच क्या क्या होता है इसके लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। ये सीरीज़ कांड पर बनी हुई है, मतलब कि स्कैम। इस शो के हर एपिसोड का एक खास टाइटल दिया गया है जो कि किसी पौराणिक चरित्र से रिलेटेड है, स्पेशली महाभारत से। शिव सिंह का स्क्रीन प्ले आपका शो में पूरा इंटरेस्ट बनाए रखेगा। कई बार आपको पता ही नहीं लगेगा कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे सीन भी यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ आप भी जानने के लिए उत्सुक होगे कि अब आगे होगा तो होगा क्या। डायरेक्टर अजय बिवान ने मेरठ, दिल्ली और जयपुर जैसी जगहों पर काम कर किया है। इस सीरीज़ में एक चोर और एक पुलिस वाले के बीच चूहे बिल्ली की जो रेस है उसे अच्छे से यहाँ पर नरेट किया गया है। रवि दुबे ने अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ किया है। रवि हैं उन्होंने यहाँ पर इसमें कई किरदार थे जिसमें उन्होंने पहचानना मुश्किल था। हालांकि जो उनका पहला गेटअप था उसमें वो कबीर सिंह जैसे दिखते हैं। उन्होंने अपने हर किरदार को बखूबी निभाया हुआ है। रवि किशन ने तेजराज सिंह का किरदार बखूबी निभाया है। रवि किशन की एंट्री कहानी में अलग पिसलें आती हैं। बाकी किरदारों में आपको जैसे भी पीयूष मिश्रा, मधुर मित्तल और राजेश शर्मा ने जो अपना काम शानदार किया हुआ है। सोनाली दशरथ द्वारा प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी शानदार है और सिनेमेटोग्राफर मनोज राठी ने भी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन काम दिया हुआ है। इन्होंने यहाँ पर दिल्ली, मेरठ, जयपुर और सांभर शहर को अच्छे से कैप्चर किया हुआ है। हालांकि एडिटिंग थोड़ी और मज़ेदार हो सकती थी, लेकिन इस पर शो पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। शो के लास्ट सीन से पता चल रहा है कि मत्स्यकांड के अगले सीजन में काफ़ी मज़ा आने वाला है। और ओवरऑल मत्स्यकांड काफ़ी मज़ेदार वेब सीरीज़ देखने को मिलेंगी, आपको ये कहानी से जोड़े रखेंगी। रविदेव और रवि किशन स्टारर इस शो का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था, हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। लोगों को स्टार्ट से ही ये जानना था कि आखिरकार इस सीरीज़ में जीत होगी दूर होगी किसकी, और कौन पकड़ा जाएगा और कौन दोस्तों जल जाएगा। तो आप सब लोग भी अगर इस सभी सवाल के जवाब ढूंढना चाहते हैं तो आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेंगी, जो कि एमएक्स प्लेयर की ऑफिशियल ऐप पर और उनकी ऑफिशियल साइट पर आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगी। तो काफ़ी तगड़ी ये वेब सीरीज़ बनाई गई है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसे ज़रूर देखिए, ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी। जितने भी किरदार हैं इन सभी ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अपना काम इन्होंने बखूबी निभाया हुआ है। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की वेब सीरीज़ का निर्माण है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये भी आता है, अगर एक मूवी होती तो क्या सीरीज थी। तो दोस्तों आप इसे मूवी भी कह सकते हैं। अगर आप कुछ सीन को काट देंगे और मर्ज कर लेंगे तो लगभग इसका रन टाइम भी इतना ही हो ही जाएगा, जो कि एक मूवी के काबिल है। तो अगर आप इसे नहीं देखे तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसे देखिए, ये आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूँगा। आप सभी लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और आप में से दोस्तों कोई लोग इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये सीरीज़ आपको कैसी लगी थी। हालांकि यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है और ना ही होगी, क्योंकि एमएक्स प्लेयर जो है अपने प्लेटफॉर्म पर इसे ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है, तो यूट्यूब पर डालने का कोई फ़ायदा उनका है ही नहीं। इसलिए आप इसे एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं। और अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूँगा। बाकी आप इसे ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। और दूसरी बात यह है कि वेब सीरीज़ है तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसे फैमिली के साथ ना देखें। आपका हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज हम यहाँ पर आपको एक कमाल की जो है उस सीरीज़ के बारे में बताने वाले हैं। और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आ चुकी हो। मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ आपको कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, वो भी फ्री में। क्या इसकी कहानी है, इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर बात करें तो ये एक वैसे तो वेब सीरीज़ है, पर आप चाहें तो इसे मूवी भी कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी कास्टिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आपको एक कमाल की स्टार कास्टिंग देखने को मिलती है और सभी कलाकारों ने यहाँ पर जो काम भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है। इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है मत्स्याकांड। 2021 में से रिलीज़ किया गया था और इसके अंदर दोस्तों आपको जो है थ्रिल देखने को मिलता है। और इसका एक ही सीज़न आ चुका है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है। कहा जा रहा है कि इसका दूसरा सीज़न भी आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो रेटिंग थी वो काफ़ी बढ़िया थी। जो IMDb है वहाँ पर 10 में से 8.8 की रेटिंग मिली हुई है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इसे 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। चलिए बात करते हैं इसकी कास्टिंग के बारे में। और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंदर आपको वैसे लीड कास्ट में जोया अफरोज, रवि दुबे, मधुर मित्तल, पीयूष मिश्रा, राजेश शर्मा, नावेद असलम, प्रतीक सिंह सोलंकी, श्रीकांत वर्मा, राज शर्मा, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं। सवाल यहाँ पर ये आता है कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं हिंदी में तो कहाँ पर ये उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को हिंदी में वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो जो एमएक्स प्लेयर हैं वहाँ पर ये हिंदी में उपलब्ध है। आप लोग इसे एमएक्स प्लेयर पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ और वो भी हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएंगी। इसके डायरेक्टर अजय बिवान रहे थे, जो बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में और मूवीज़ बनाई हुई है, सॉरी वेब सीरीज़ बनाई हुई है। तो मत्स्य जो थड़ा है वो रवि दबे लोगों को जान में फंसाकर उन्हें लूट कर चला जाता है। तो मत्स्य को पकड़ने के लिए SCP तेजराज सिंह को बुलाया जाता है। इसके बाद दोनों के बीच चूहे बिल्ली वाली रेस शुरू हो जाती है। अब दोनों के बीच क्या क्या होता है इसके लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। ये सीरीज़ कांटे पर बनी हुई है, मतलब कि स्कैम। इस शो के हर एपिसोड का एक खास टाइटल दिया गया है जो कि किसी पौराणिक चरित्र से रिलेटेड है, स्पेशली महाभारत से। शिव सिंह का स्क्रीन प्ले आपका शो में पूरा इंटरेस्ट बनाए रखेगा। कई बार आपको पता ही नहीं लगेगा कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे सीन भी यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ आप भी जानने के लिए उत्सुक होगे कि अब आगे होगा तो होगा क्या। डायरेक्टर अजय बिवान ने मेरठ, दिल्ली और जयपुर जैसी जगहों पर काम कर किया है। इस सीरीज़ में एक चोर और एक पुलिस वाले के बीच चूहे बुल्ले की जो रेस है उसे अच्छे से यहाँ पर नरेट किया गया है। रवि दुबे ने अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ किया है। रवि हैं उन्होंने यहाँ पर इसमें कई किरदार थे जिसमें उन्होंने पहचानना मुश्किल था। हालांकि जो उनका पहला गेटअप था उसमें वो कबीर सिंह जैसे दिखते हैं। उन्होंने अपने हर किरदार को बखूबी निभाया हुआ है। रवि किशन ने तेजराज सिंह का किरदार बखूबी निभाया है। रवि किशन की एंट्री कहानी में अलग ट्विस्ट ले आती है। बाकी किरदारों में आपको जैसे भी पीयूष मिश्रा, मथुर मित्तल और राजेश शर्मा ने जो अपना काम शानदार किया हुआ है। सोनाली दशरथ द्वारा प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी शानदार है और सिनेमेटोग्राफर मनोज राठी ने भी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन काम दिया हुआ है। इन्होंने यहाँ पर दिल्ली, मेरठ, जयपुर और सांभर शहर को अच्छे से कैप्चर किया हुआ है। हालांकि एडिटिंग थोड़ी और मज़ेदार हो सकती थी, लेकिन इस पर शो पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। शो के लास्ट सीन से पता चल रहा है कि मत्स्य कांड के अगले सीजन में काफ़ी मज़ा आने वाला है और ओवरऑल मत्स्य कांड काफ़ी मज़ेदार वेब सीरीज़ देखने को मिलेंगी, आपको ये कहानी से जोड़े रखेंगी। रवि दुबे और रवि किशन स्टारर इस शो का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था तब लोगों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। लोगों को स्टार्ट से ही ये जानना था कि आखिरकार इस सीरीज़ में जीत होगी दूर होगी किसकी और कौन पकड़ा जाएगा और कौन दोस्तों जल जाएगा। तो आप सब लोग भी अगर इस सभी सवाल के जवाब ढूंढना चाहते हैं तो आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी, जो कि एमएक्स प्लेयर की ऑफिशियल ऐप पर और उनकी ऑफिशियल साइट पर आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगी। तो काफ़ी तगड़ी ये वेब सीरीज़ बनाई गई है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसे ज़रूर देखिए, ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी। जितने भी किरदार हैं इन सभी ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अपना काम इन्होंने बखूबी निभाया हुआ है। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की वेब सीरीज़ का निर्माण है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये भी आता है अगर एक मूवी होती तो क्या सीरीज थी। तो दोस्तों आप इसे मूवी भी कह सकते हैं। अगर आप कुछ सीन को काट देंगे और मर्ज कर लेंगे तो लगभग इसका रन टाइम में इतना ही हो ही जाएगा जो कि एक मूवी के काबिल है। तो अगर आप इसे नहीं देखे तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसे देखिए, ये आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूँगा। आप सभी लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और आप में से दोस्तों कोई लोग इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये सीरीज़ आपको कैसी लगी थी। हालांकि यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है और ना ही होगी, क्योंकि एमएक्स प्लेयर जो है अपने प्लेटफॉर्म पर इसे ऑलरेडी पे में कर चुका है, तो यूट्यूब पर डालने का कोई फ़ायदा उनका है ही नहीं। इसलिए आप इसे एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं। और अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूँगा। बाकी आप इसे ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। और दूसरी बात यह है कि वेब सीरीज़ है तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसे फैमिली के साथ ना देखें। आपका हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज हम यहाँ पर आपको एक कमाल की जो है उस सीरीज़ के बारे में बताने वाले हैं। और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आ चुकी हो। मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ आपको कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, वो भी फ्री में। क्या इसकी कहानी है, इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर बात करें तो ये एक वैसे तो वेब सीरीज़ है पर आप चाहें तो इसे मूवी भी कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी कास्टिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आपको एक कमाल की स्टार कास्टिंग देखने को मिलती है और सभी कलाकारों ने यहाँ पर जो काम भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है। इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है मत्स्याकांड। 2021 में से रिलीज़ किया गया था और इसके अंदर दोस्तों आपको जो है थ्रिल देखने को मिलता है। और इसका एक ही सीज़न आ चुका है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है। कहा जा रहा है कि इसका दूसरा सीज़न भी आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो रेटिंग तो काफ़ी बढ़िया जी, जो IMDb है वहाँ पर 10 में से 8.8 की रेटिंग मिली हुई है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इसे 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। चलिए बात करते हैं इसकी कास्टिंग के बारे में। और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो कहां पर ये आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंदर आपको वैसे लीड कास्ट में जोया अफरोज, रवि दुबे, मधुर मित्तल, पीयूष मिश्रा, राजेश शर्मा, नावेद असलम, प्रतीक सिंह सोलंकी, श्रीकांत वर्मा, राज शर्मा, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं। सवाल यहाँ पर यह आता है कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं हिंदी में तो कहाँ पर ये उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को हिंदी में वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो जो MX प्लेयर है वहाँ पर ये हिंदी में उपलब्ध है। आप लोग इसे MX प्लेयर पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ और वो भी हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएंगी। इसके डायरेक्टर अजय बीवान रहे थे, जो बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में और मूवीज़ बनाई हुई है, सॉरी वेब सीरीज़ बनाई हुई है। तो मत्स्य जो थड़ा है वो रवि द्रविड़ लोगों को जान में फंसा कर उन्हें लूट कर चला जाता है। तो मत्स्य को पकड़ने के लिए SCP तेजराज सिंह को बुलाया जाता है। इसके बाद दोनों के बीच चूहे बिल्ली वाली रेस शुरू हो जाती है। अब दोनों के बीच क्या क्या होता है इसके लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। ये सीरीज़ कांड पर बनी हुई है, मतलब कि स्कैम। इस शो के हर एपिसोड का एक खास टाइटल दिया गया है जो कि किसी पौराणिक चरित्र से रिलेटेड है, स्पेशली महाभारत से। शिव सिंह का स्क्रीन प्ले आपका शो में पूरा इंटरेस्ट बनाए रखेगा। कई बार आपको पता ही नहीं लगेगा कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे सीन भी यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ आप भी जानने के लिए उत्सुक होगे कि अब आगे होगा तो होगा क्या। डायरेक्टर अजय बीवान ने मेरठ, दिल्ली और जयपुर जैसी जगहों पर काम कर किया है। इस सीरीज़ में एक चोर और एक पुलिस वाले के बीच चूहे बिल्ली की जो रेस है उसे अच्छे से यहाँ पर नरेट किया गया है। रवि दुबे ने अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ किया है। रवि हैं उन्होंने यहाँ पर इसमें कई किरदार थे जिसमें उन्होंने पहचानना मुश्किल था। हालांकि जो उनका पहला गेटअप था उसमें वो कबीर सिंह जैसे दिखते हैं। उन्होंने अपने हर किरदार को बखूबी निभाया हुआ है। रवि किशन ने तेजराज सिंह का किरदार बखूबी निभाया है। रवि किशन की एंट्री कहानी में अलग पिसलें आती है। बाकी किरदारों में आपको जैसे भी पीयूष मिश्रा, मतिर मित्तल और राजेश शर्मा ने जो अपना काम शानदार किया हुआ है। सोनाली दशरथ द्वारा प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी शानदार है और सिनेमेटोग्राफर मनोज राठी ने भी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन काम दिया हुआ है। इन्होंने यहाँ पर दिल्ली, मेरठ, जयपुर और सांभर शहर को अच्छे से कैप्चर किया हुआ है। हालांकि एडिटिंग थोड़ी और मज़ेदार हो सकती थी, लेकिन इस पर शो पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। शो के लास्ट सीन से पता चल रहा है कि मत्स्य कांड के अगले सीजन में काफ़ी मज़ा आने वाला है और ओवरऑल मत्स्य कांड काफ़ी मज़ेदार वेब सीरीज़ देखने को मिलेंगी, आपको ये कहानी से जोड़े रखेंगी। रवि दुबे और रवि किशन स्टारर इस शो का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था तब लोगों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। लोगों को स्टार्ट से ही ये जानना था कि आखिरकार इस सीरीज़ में जीत होगी दूर होगी किसकी और कौन पकड़ा जाएगा और कौन दोस्तों जल जाएगा। तो आप सब लोग भी अगर इस सभी सवाल के जवाब ढूंढना चाहते हैं तो आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी, जो कि MX प्लेयर की ऑफिशियल ऐप पर और उनकी ऑफिशियल साइट पर आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगी। तो काफ़ी तगड़ी ये वेब सीरीज़ बनाई गई है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इसे ज़रूर देखिए, ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी। जितने भी किरदार हैं इन सभी ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अपना काम इन्होंने बखूबी निभाया हुआ है। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की वेब सीरीज़ का निर्माण है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये भी आता है अगर एक मूवी होती तो क्या सीरीज थी। तो दोस्तों आप इसे मूवी भी कह सकते हैं। अगर आप कुछ सीन को काट देंगे और मर्ज कर लेंगे तो लगभग इसका रन टाइम भी इतना ही हो ही जाएगा जो कि एक मूवी के काबिल है। तो अगर आप इसे नहीं देखे तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसे देखिए, ये आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसे YouTube पे रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूंगा। आप सभी लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और आप में से दोस्तों कोई लोग इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये सीरीज़ आपको कैसी लगी थी। हालांकि YouTube पर उपलब्ध नहीं है और ना ही होगी, क्योंकि MX प्लेयर जो है अपने प्लेटफॉर्म पर इसे ऑलरेडी प्रीमियम कर चुका है। तो यूट्यूब पर डालने कोई फ़ायदा उनका है ही नहीं, इसलिए आप इसे MX प्लेयर पर देख सकते हैं। और अगर इसे YouTube पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूंगा। बाकी आप इसे ज़रूर दीजिए, आपको अच्छी लगेंगी। और दूसरी बात यह है कि वेब सीरीज़ है तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसे फैमिली के साथ ना देखें। आपका हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज हम यहाँ पर आपको एक कमाल की जो है उस सीरीज़ के बारे में बताने वाले हैं। और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आ चुकी हो। मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ आपको कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, वो भी फ्री में। क्या इसकी कहानी है, इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर बात करें तो ये एक वैसे तो वेब सीरीज़ है, पर आप चाहें तो इसे मूवी भी कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी कास्टिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आपको एक कमाल की स्टारकास्टिंग देखने को मिलती है और सभी कलाकारों ने यहाँ पर जो काम भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है। इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है मत्स्याकांड। 2021 में से रिलीज़ किया गया था और इसके अंदर दोस्तों आपको जो है थ्रिल देखने को मिलता है और इसका एक ही सीज़न आ चुका है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है। कहा जा रहा है कि इसका दूसरा सीज़न भी आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो रेटिंग थी वो काफ़ी बढ़िया थी। जो IMDb है वहाँ पर 10 में से 8.8 की रेटिंग मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इसे 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। चलिए बात करते हैं इसकी कास्टिंग के बारे में और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंदर आपको वैसे लीड कास्ट में जोया अफरोज, रवि दुबे, मधुर मित्तल, पीयूष मिश्रा, राजेश शर्मा, नावेद असलम, प्रतीक सिंह सोलंकी, श्रीकांत वर्मा, राज शर्मा, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं। सवाल यहाँ पर ये आता है कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं हिंदी में तो कहाँ पर ये उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को हिंदी में वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो जो MX प्लेयर हैं वहाँ पर ये हिंदी में उपलब्ध है। आप लोग इसे MX प्लेयर पर जाकर देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ और वो भी हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएंगी। इसके डायरेक्टर अजय बीवान रहे थे जो बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में और मूवीज़ बनाई हुई है, सॉरी वेब सीरीज़ बनाई हुई है। तो मत्स्य जो थड़ा है वो रवि दुबे लोगों को जान में फंसाकर उन्हें लूट कर चला जाता है। तो मत्स्य को पकड़ने के लिए SCP तेजराज सिंह को बुलाया जाता है। इसके बाद दोनों के बीच चूहे बिल्ली वाली रेस शुरू हो जाती है। अब दोनों के बीच क्या क्या होता है इसके लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। ये सीरीज़ कांटे पर भरी हुई है, मतलब कि स्कैम। इस शो के हर एपिसोड का एक खास टाइटल दिया गया है जो कि किसी पौराणिक चरित्र से रिलेटेड है, स्पेशली महाभारत से। शिव सिंह का स्क्रीन प्ले आपका शो में पूरा इंटरेस्ट बनाए रखेगा। कई बार आपको पता ही नहीं लगेगा कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे सीन भी यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ आप भी जानने के लिए उत्सुक होगे कि अब आगे होगा तो होगा क्या। डायरेक्टर अजय उड़ान ने मेरठ, दिल्ली और जयपुर जैसी जगहों पर काम कर किया है। इस सीरीज़ में एक चोर और एक पुलिस वाले के बीच चूहे बिल्ली की जो रेस है उसे अच्छे से यहाँ पर नरेट किया गया है। रवि दुबे ने अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ किया है। रवि हैं उन्होंने यहाँ पर इसमें कई किरदार थे जिसमें उन्होंने पहचानना मुश्किल था। हालांकि जो उनका पहला गेटअप था उसमें वो कबीर सिंह जैसे दिखते हैं। उन्होंने अपने हर किरदार को बखूबी निभाया हुआ है। रवि किशन ने तेजराज सिंह का किरदार बखूबी निभाया है। रवि किशन की एंट्री कहानी में अलग ट्विस्ट ले आती है। बाकी किरदारों में आपको जैसे भी पीयूष मिश्रा, मधुर मित्तल और राजेश शर्मा ने जो अपना काम शानदार किया हुआ है। सोनाली दशरथ द्वारा प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी शानदार है और सिनेमेटोग्राफर मनोज राठी ने भी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन काम दिया हुआ है। इन्होंने यहाँ पर दिल्ली, मेरठ, जयपुर और सांभर शहर को अच्छे से कैप्चर किया हुआ है। हालांकि एडिटिंग थोड़ी और मज़ेदार हो सकती थी लेकिन इस पर शो पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। शो के लास्ट सीन से पता चल रहा है कि मत्स्यकांड के अगले सीजन में काफ़ी मज़ा आने वाला है और ओवरऑल मत्स्यकांड काफ़ी मज़ेदार वेब सीरीज़ देखने को मिलेंगी, आपको ये कहानी से जोड़े रखेंगी। रवि दुबे और रवि किशन स्टारर इस शो का जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ था तब लोगों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। लोगों को स्टार्ट से ही ये जानना था कि आखिरकार इस सीरीज़ में जीत होगी दूर होगी किसकी और कौन पकड़ा जाएगा और कौन दोस्तों जल जाएगा। तो आप सब लोग भी अगर इस सभी सवाल के जवाब ढूंढना चाहते हैं तो आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी जो कि MX प्लेयर की ऑफिशियल ऐप पर और उनकी ऑफिशियल साइट पर आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगी। तो काफ़ी तगड़ी ये वेब सीरीज़ बनाई गई है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसे ज़रूर देखिए, ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी। जितने भी किरदार हैं इन सभी ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अपना काम इन्होंने बखूबी निभाया हुआ है। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की वेब सीरीज़ का निर्माण है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये भी आता है अगर एक मूवी होती तो क्या सीरीज थी। तो दोस्तों आप इसे मूवी भी कह सकते हैं। अगर आप कुछ सीन को काट देंगे और मर्ज कर लेंगे तो लगभग इसका रन टाइम में इतना ही हो ही जाएगा जो कि एक मूवी के काबिल है। तो अगर आप इसे नहीं देखे तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसे देखिए, ये आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूंगा। आप सभी लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और आप में से दोस्तों कोई लोग इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये सीरीज़ आपको कैसी लगी थी। हालांकि यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है और ना ही होगी, क्योंकि एमएक्स प्लेयर जो है अपने प्लेटफॉर्म पर इसे ऑलरेडी पे में कर चुका है, तो यूट्यूब पर डालने का कोई फ़ायदा उनका है ही नहीं, इसलिए आप इसे एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं। और अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूँगा। बाकी आप इसे ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेंगी। और दूसरी बात यह है कि वेब सीरीज़ है तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसे फैमिली के साथ ना देखें। आपका हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज हम यहाँ पर आपको एक कमाल की जो है उस सीरीज़ के बारे में बताने वाले हैं। और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आ चुकी हो। मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज़ आपको कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, वो भी फ्री में। क्या इसकी कहानी है, इन सब के बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर बात करें तो ये एक वैसे तो वेब सीरीज़ है, पर आप चाहें तो इसे मूवी भी कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी कास्टिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आपको एक कमाल की स्टार कास्टिंग देखने को मिलती है और सभी कलाकारों ने यहाँ पर जो काम भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है। इस सीरीज़ का दोस्तों नाम है मत्स्याकांड। 2021 में इसे रिलीज़ किया गया था और इसके अंदर दोस्तों आपको जो है थ्रिल देखने को मिलता है। और इसका एक ही सीज़न आ चुका है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है। कहा जा रहा है कि इसका दूसरा सीज़न भी आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो रेटिंग तो काफ़ी बढ़िया जी, जो IMDb है वहाँ पर 10 में से 8.8 की रेटिंग मिली हुई है। और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इसे 5 में से 3 स्टार मिले हुए हैं। चलिए बात करते हैं इसकी कास्टिंग के बारे में। और अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंदर आपको वैसे लीड कास्ट में जोया अफरोज, रवि दुबे, मधुर मित्तल, पीयूष मिश्रा, राजेश शर्मा, नावेद असलम, प्रतीक सिंह सोलंकी, श्रीकांत वर्मा, राज शर्मा, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार देखने को मिल जाते हैं। सवाल यहाँ पर यह आता है कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं हिंदी में तो कहाँ पर ये उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को हिंदी में वो भी फ्री में देखना चाहते हैं तो जो एमएक्स प्लेयर हैं वहाँ पर ये हिंदी में उपलब्ध है। आप लोग इसे एमएक्स प्लेयर पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ और वो भी हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएंगी। इसके डायरेक्टर अजय बिवान रहे थे, जो बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं। और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार फिल्में और मूवीज़ बनाई हुई है, सॉरी वेब सीरीज़ बनाई हुई है। तो मत्स्य जो थड़ा है वो रवि दुबे लोगों को जान में फंसा कर उन्हें लूट कर चला जाता है। तो मत्स्य को पकड़ने के लिए SCP तेजराज सिंह को बुलाया जाता है। इसके बाद दोनों के बीच चूहे बिल्ली वाली रेस शुरू हो जाती है। अब दोनों के बीच क्या क्या होता है इसके लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। ये सीरीज़ कांड पर बनी हुई है, मतलब कि स्कैम। इस शो के हर एपिसोड का एक खास टाइटल दिया गया है जो कि किसी पौराणिक चरित्र से रिलेटेड है, स्पेशली महाभारत से। शिव सिंह का स्क्रीन प्ले आपका शो में पूरा इंटरेस्ट बनाए रखेगा। कई बार आपको पता ही नहीं लगेगा कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे सीन भी यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ आप भी जानने के लिए उत्सुक होगे कि अब आगे होगा तो होगा क्या। डायरेक्टर अजय बिवान ने मेरठ, दिल्ली और जयपुर जैसी जगहों पर काम कर किया है। इस सीरीज़ में एक चोर और एक पुलिस वाले के बीच चूहे बिल्ली की जो रेस है उसे अच्छे से यहाँ पर नरेट किया गया है। रवि दुबे ने अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ किया है। रवि हैं उन्होंने यहाँ पर इसमें कई किरदार थे जिसमें उन्होंने पहचानना मुश्किल था। हालांकि जो उनका पहला गेटअप था उसमें वो कबीर सिंह जैसे दिखते हैं। उन्होंने अपने हर किरदार को बखूबी निभाया हुआ है। रवि किशन ने तेजराज सिंह का किरदार बखूबी निभाया है। रवि किशन की एंट्री कहानी में अलग पिसलें आती है। बाकी किरदारों में आपको जैसे भी पीयूष मिश्रा, मधुर मित्तल और राजेश शर्मा ने जो अपना काम शानदार किया हुआ है। सोनाली दशरथ द्वारा प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी शानदार है और सिनेमेटोग्राफर मनोज राठी ने भी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन काम दिया हुआ है। इन्होंने यहाँ पर दिल्ली, मेरठ, जयपुर और सांभर शहर को अच्छे से कैप्चर किया हुआ है। हालांकि एडिटिंग थोड़ी और मज़ेदार हो सकती थी, लेकिन इस पर शो पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। शो के लास्ट सीन से पता चल रहा है कि मत्स्यकांड के अगले सीजन में काफ़ी मज़ा आने वाला है। और ओवरऑल मत्स्यकांड काफ़ी मज़ेदार वेब सीरीज़ देखने को मिलेंगी, आपको एक कहानी से जोड़े रखेंगी। रवि दुबे और रवि किशन स्टारर इस शो का जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ था तब लोगों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। लोगों को स्टार्ट से ही ये जानना था कि आखिरकार इस सीरीज़ में जीत होगी दूर होगी किसकी, और कौन पकड़ा जाएगा और कौन दोस्तों जल जाएगा। तो आप सब लोग भी अगर इस सभी सवाल के जवाब ढूंढना चाहते हैं तो आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेंगी, जो कि एमएक्स प्लेयर की ऑफिशियल ऐप पर और उनकी ऑफिशियल साइट पर आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगी। तो काफ़ी तगड़ी ये वेब सीरीज़ बनाई गई है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसे ज़रूर देखिए, ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगी। जितने भी किरदार हैं इन सभी ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अपना काम इन्होंने बखूबी निभाया हुआ है। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी और कमाल की वेब सीरीज़ का निर्माण है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये भी आता है अगर एक मूवी होती तो क्या सीरीज थी। तो दोस्तों आप इसे मूवी भी कह सकते हैं। अगर आप कुछ सीन को काट देंगे और मर्ज कर लेंगे तो लगभग इसका रन टाइम भी इतना ही हो ही जाएगा जो कि एक मूवी के काबिल है। तो अगर आप इसे नहीं देखे तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसे देखिए, ये आपको कैसी लगती है फिर आप मुझे बताइएगा। आने वाले समय में अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूँगा। आप सभी लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और आप में से दोस्तों कोई लोग इसे देख चुके हैं तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा ये सीरीज़ आपको कैसी लगी थी। हालांकि यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है और ना ही होगी, क्योंकि एमएक्स प्लेयर जो है अपने प्लेटफॉर्म पर इसे ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है, तो यूट्यूब पर डालने का कोई फ़ायदा उनका है ही नहीं। इसलिए आप इसे एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं। और अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाएगा तो मैं आपको जानकारी अवश्य दे दूँगा। बाकी आप इसे ज़रूर दीजिए, आपको अच्छी लगेंगी। और दूसरी बात यह है कि वेब सीरीज़ है तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसे फैमिली के साथ ना देखें।